हम पहुंचे थे मनन में क्या चीजें हैं, इसको थोड़ा सा याद दिलाने की दृष्टि से भी देखेंगे। मनन का हमने यहां से शुरू किया था कि मनन हुआ मतलब ये जो वस्तु है जिसको मुझे समझना है ना, ये मेरी ही कल्पनाशीलता में स्थापित हो गया, संयत हो गया, ठीक है। इसके लिए भाषा एक ही जगह दिया है और उसको हमको थोड़ा सा संभल के वो करना पड़ेगा कि इसको नाम दिया है धारणा। किस चीज का धारणा? जिस वस्तु का ज्ञान होना है वो मुझ में धारणा के रूप में हो गया। फाइनली ये वस्तु अपरिवर्तनीय विधि से जो स्वीकृत होना है ये बुद्धि में होना है, उसका नाम है अवधारणा। और उसी अवधारणा का जो अनुभव बोध होता है बुद्धि में, फाइनली उसका नाम है धारणा, वो मानव धर्म है ना, इसके बाद वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात हम ध्यान में रखें। तो अभ्यास के रूप में देखेंगे तो इसमें लिखा है श्रवण से प्राप्त अर्थों का शोध। तो जो शब्द का अर्थ, और केवल शब्द का अर्थ नहीं, अभी शास्त्र अध्ययन करके हम मनन में लग गए हैं, तो पूरी जो वस्तु है इसकी पूरी कनेक्टिविटी हमारे पास है ना, ये पूरा ही मिलकर एक अर्थ है। जो भी हमने इस पर शोध किया है, जो हम बात किए थे, छह विधि से सूत्रों को लिए हमने, बहुत सारे शब्द लिए, ये सबको एकत्रित करके हमने सोच विचार किया है ना, उसके निष्कर्षों को प्राप्त करने का हमने ऑलरेडी मेहनत किया है। तो यहाँ पर लिखा है अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास। तो ये जो नेक्स्ट लाइन है मनन में क्या होता है उसके इंडिकेशन को देता है। ये जो विश्लेषण हुआ था शास्त्र अध्ययन के दौरान, बंद हो गया अपने आप, शास्त्र अध्ययन के दौरान जो विश्लेषण हुआ, देखिए वो सारा विश्लेषण था ना, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही किया हमने, उसके आधार पर जो प्राप्त निष्कर्ष है, इन निष्कर्षों का फिर अभी तुलन, जैसे न्याय धर्म सत्य पहले मेरे लिए भाषा रहा, उसके बाद न्याय धर्म सत्य कुछ तर्क है, न्याय की परिभाषा है, न्याय धर्म से ऐसे जुड़ता है, धर्म सत्य से जुड़ता है, ये सारा एक तर्क है। इन तर्कों को साथ में मिला के फिर हम इस जगह पर पहुंचते हैं कि ये समझने की वस्तु है, ये समझने वाला वस्तु ये है और जीने वाला वस्तु ये है, ये समझ में आता है, ठीक है ना। समझने वाला वस्तु मतलब जो भाषा, भाष, प्रतीति है ना, कुल मिलाकर अभी समझ का मतलब हम प्रतीति की जगह बात कर रहे हैं, हम साक्षात्कार के लिए सोच रहे हैं, अभी बुक में क्या लिखा है वो नहीं सोच रहे, वो तो शास्त्र अध्ययन में पूरा हो गया हमारा, है ना। जो नागराज जी ने लिखा पूरा मध्य दर्शन, इसमें क्या है, सारी वस्तु है कैसी है, ये तो शास्त्र अध्ययन में हो गया। अब मुझे जो साक्षात्कार करना है, ये वस्तु क्या है, इसके लिए हमारा ध्यान जा रहा है। तो इसमें ये जो तुलन है, प्राप्त निष्कर्षों का तुलन, फिर उनका क्रम से वरीयत होना। तो वरीयता किस चीज की हो रही है? न्याय धर्म सत्य की, वृत्ति में दृष्टि का गुणात्मक परिवर्तन। तो इसी को लिखा है चित्त क्या करता है, संपूर्ण, जो सेकंड लाइन है ये चित्त के लिए है, चित्रण के लिए, संपूर्ण विचारों का कार्य रूप विवेचना को संपादित करना। संपादन का मतलब क्या होता है अभी हिंदी में, सेंट्रलाइज करना है ना, उसको सेंट्रलाइज करके उसके अर्थ में अभी इच्छाएं होती है। तो ये हुआ अभ्यास इसके लिए, इसी को फिर शोध भी कहा है, यही शोध है। तो स्वीकारने की क्रम को हमने देखा कि ये मन से लेकर आत्मा तक है ना, किसी वस्तु को मैंने स्वीकारा है तो श्रवण भी हो सकता है, मनन पूर्वक आभास की पूर्ति भी हो सकती है, साक्षात्कार भी हो सकता है, अध्ययन बोध भी हो सकता है, फाइनली तो अनुभव है स्वीकारने की जरूरत। मन से लेकर आत्मा तक पूरे जीवन में इस प्रकार की स्वीकृतियां होती हैं। तो इसमें ये स्कैन करते समय ऊपर नीचे हो गया, तो इसमें फिर तीन श्रेणी में दिखता आपको अभ्यास। ये तत्व है क्योंकि जो संयत होना है वो देश और तत्व, या तत्व और देश दोनों में संयत होना है। तो जीने की जगह जो पूरी है देश, इसमें भी संयत होना है, और जो तात्विक रूप में जो वस्तु है जिसके ज्ञान से मैं स्वयं वंचित हूं, जो मुझ में नहीं है, ये जो मेरे लिए वांछित वस्तु है, इसमें संयत होना, और साथ में इसकी स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो हम कल इस पर बात शुरू किए थे,
और काफी इस पर बातचीत भी हुई थी कि ये जो सारी वस्तुएं हैं ये कुल मिलाकर एक तीन सूत्रों से टोटली तो 6 हैं, फिर ये सिमट गया। जो हमारी जो जानकारी है, हमारा जो अध्ययन है, अध्ययन से जो निष्कर्ष मिल रहा है हमको, है ना, ये सिमट गया कि ये वस्तु इतना ही, कुल मिलाकर जो ज्ञान के लिए जो वस्तु है वो इतना है और उसका जो जीने का स्वरूप है वो इतना है। सेकेंड में जो जिया है, फिर मैं इसको समझा कि नहीं या जिया कि नहीं, इसका फिर स्वमूल्यांकन है। ये दृष्टि, विषय, स्वभाव, तीन उसमें होता है। तो दृष्टि में परिवर्तन से विषय भी बदलते हैं, दृष्टि में परिवर्तन से स्वभाव भी बदलता है, दृष्टि में परिवर्तन से प्राथमिकता का भी, है ना, विकास होता है, और दृष्टि में परिवर्तन से समझ भी होता है। ठीक, तो इसको हम बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे, अभी इसी वाले बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कुछ बात करनी है तो जानने मानने की वस्तु और पहचानने निर्वाह करने की वस्तु पर कल बात हुई थी, तो कहीं से आपने कुछ मुद्दा ये किया था, तो हाँ, तो ये आया था। अच्छा, ये ऊपर वाला बेटा, साक्षात्कार की है, जीने की वस्तु है। तो एक तो उसमें थोड़ा सा ये पूछना है कि जैसे कि न्याय का कोई चित्र, विश्लेषण पूर्वक न्याय का कोई चित्र में उसमें बना, तो उसमें निष्कर्ष में जाना कि न्याय वस्तु के रूप में ये है। हाँ, कुछ धर्म के बारे में हमें तो सूचना मिली, उसका धर्म का जो भी बाबत ने एक विश्लेषण किया, उस विश्लेषण से उसका कुछ जो आज वो बन करके इस मतलब कि अपने अंदर जो भी प्रक्रिया हुई, तो उस पर जाकर कि मतलब कि धर्म मतलब कि ये है और सत्य ये है, पे उसके बाद तुलना हुई कि ये हित लाभ के साथ कब हो, तो इसको ही हम मनन कह रहे हैं। तो जब ये जो वस्तु लिखी है, जो तंत्र लिखा है, अस्त जीवन आचरण, तो ये मैं मान कर के चलूँ कि ये कुआ जो भी बने, कुआ जो 10 पुस्तक का कुआ, इस बात को बाबा के अध्ययन का ये निष्कर्ष निकला कि अस्त पूर्व में जीना है, जीवन है, ये है जीवन वस्तु के रूप में ये है। तो फिर अब इन तीन के साथ मुझे तदाकाय होना है, जीने के अंदर मैं ठीक पकड़ पा रही हूँ? हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। तो कल फिर ये बात आई थी कि मूल्यों का, यहाँ पर इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं, तात्विक वस्तु का शोध, इसमें से साक्षात्कार। तो ऐसा नहीं है कि व्यवहार के वस्तुओं का साक्षात्कार नहीं होना है, है ना, उसमें नियम और न्याय, है ना, और धर्म भी आ जाएगा, तो ये दोनों के साथ साथ चलता है, ठीक है ना। तो इसमें फिर ये भी आता है कि जैसे मैंने केवल सोच लिया कि ये न्याय है, है ना, और फिर मैं पूरे दिन न्याय ये है, न्याय ये है सोचता हूं, तो उस केवल उतने मात्रा से फिर न्याय समझ में नहीं आना है। गति तो बन गई, फाइनली न्याय के अनुरूप मेरा विचार और व्यवहार भी होना है, फिर उसको चित्रित करने के क्रम में या उसको चित्रित करके जीने के क्रम में फिर ये पहचान में आता है या आएगा कि ये न्याय है, है ना। फिर न्याय यदि देखेंगे तो अपने में बहुत बड़ी वस्तु है, उसको आगे अपन व्यवहार अभ्यास में देखेंगे, तो उसमें नियम हो गया, है ना, सारे संबंध आ गए, बहुत सारी चीजें उसमें आ गए, है ना, दयापूर्ण व्यवहार आ गया, वो सारा मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको, तो न्याय और धर्म और स्पेशली न्याय वस्तु के रूप में भी देखेंगे तो उसका चित्रण विचार पूर्वक जीने का एक पक्ष है और उसका एक ज्ञान का एक स्वरूप है, ये दोनों चीजें आएगी न्याय। जैसे सत्य है, है ना, तो सत्य में फाइनली यदि देखेंगे तो व्यापक वस्तु का होना और मेरा होना, बाकी प्रकृति तो है ही, ठीक। तो सत्य का यदि मुझे साक्षात्कार हो जाता है तो वो जो दृष्टि है, वो जो व्यू है, जो साक्षात्कार हुआ, वो अपने आप ही जीने में बना ही रहेगा। व्यापक है, एक बार मैंने पहचान लिया, ये निश्चित हो गया मुझ में, ठीक। इसके बाद वो फिर डाउट नहीं है जीते समय है कि व्यापक है कि नहीं है। जैसे आपके साथ हम व्यवहार करेंगे, इनके साथ करेंगे, आप इनके साथ करेंगे, तो व्यापक वस्तु तो उसमें बना ही हुआ है, ठीक है ना।
न्याय ऐसी वस्तु है कि इसका साक्षात्कार का भी स्वरूप है, ठीक है ना। स्वरूप मतलब उसका एक आयाम, स्वरूप का मतलब उसका एक आयाम, न्याय का एक आयाम साक्षात्कार में भी है। और उस जो साक्षात्कार हुआ उस वस्तु को जीने का भी एक स्वरूप है जो बहुत विशाल है। एक आदमी के घर में है ना, एक व्यक्ति कम से कम परिवार, भले ही आप न्यूक्लियर फैमिली में रहे, ज्वाइंट फैमिली में रहे, उसमें 4 से लेकर 10-12 लोग तक है। फिर हमारे संपर्क में कम से कम 50-70 आदमी होता है, उन सब के साथ फिर न्याय का स्वरूप क्या है, वो सारी चीजें आ जाएंगी, हाँ वो चित्रण में आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सत्य का भी है, पर न्याय एक प्रकार से, क्योंकि पूरा ही न्याय फिर फाइनली देखेंगे तो इस पूरे को न्याय कहेंगे, विचार व्यवहार व्यवसाय सारा मिलाकर फिर न्याय। फिर स्पेसिफिकली यदि देखेंगे तो किसी संबंध में न्याय दिखेगा, ठीक है। तो ये जो शोध होना है, ये तात्विक वस्तु का शोध इस प्रकार से हम उसको करते हैं या करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ दीदी, और संपूर्णता कहेंगे भैया, तो संपूर्णता में न्याय को देखेंगे तो अस्तित्व जो सहस्तित्व है वही न्याय है, हाँ वो ठीक है, ऐसा बोलेंगे, हाँ संपूर्णता जी। ये है कि अब तक मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि साक्षात्कार की जब हम बात करते हैं, मतलब बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन तो वही से वो एक पॉइंट है जहाँ से ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना है जीवन के स्तर पे, तो थोड़ा सा मतलब विचार और व्यवहार को पकड़ना इजी है, उसको समझना इजी है कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, पर वो चेंज जो वहाँ आएगा तो उसको उसको कैसे पकड़े, मतलब वो कैसे पता लगेगा। अल्टीमेटली कुछ पता ऐसे लग सकता है, जैसा ये मेरा अनुमान है, कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि अपने विचार में कुछ परिवर्तन आएगा, अपने सोचने का तरीका कुछ बदलेगा, अपने व्यवहार में कुछ आएगा, लेकिन जैसे आप बोलते हो कि मैंने व्यवहार में न्याय किया, क्योंकि न्याय के भी बहुत अलग अलग स्वरूप है। एक है कि मैंने किसी संबंध में किसी मूल्यों का निर्वाह किया, तो एक न्याय का एक एंगल हो गया। फिर ऐसे प्रोग्राम्स में, जैसे हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो उत्पादन में न्याय का अलग स्वरूप है ना, शिक्षा में न्याय का अलग स्वरूप है, वो तो बात की बात है, पर जो एक व्यवहार के लेवल पे हम व्यवहाराभ्यास की बात करें तो वो कैसे पकड़ में आएगा, मतलब वो कैसे वो प्रोसेस के रूप में वो क्या चीज होता है, वो किस तरीके से उसको पकड़े, तो दूसरे वाले भाग में आएंगे ना, उस पर बात करेंगे, व्यवहाराभ्यास वाले भाग जो सेकंड कॉलम है उसमें हम जब जाएंगे तो उस पर अपन बात करेंगे। उसमें जो नंबर 2 लिखा है या बी, कल बात यहां से हम रुक गए थे ना कि जानने मानने की वस्तु और पहचानने निर्वाह करने की वस्तु, ठीक। तो कुल मिलाकर सारा जो वस्तु है वो गुण स्वभाव धर्म, रूप तो अपनी जगह है ही, तो रूप गुण स्वभाव धर्म की अविभाज्यता और स्वभाव और धर्म का ज्ञान, तो ये कुल मिलाकर वस्तु इतने में से बढ़ना है स्वभाव और धर्म के रूप। तो अच्छा, ये सब अभी तर्क है ना, इस तर्क के माध्यम से फिर हमको उसको अपने में है ना वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम कल बात इसमें किए थे इस जगह पर कि यदि मैं अपना गुण स्वभाव धर्म को देखूं एक मानव जीवन और मानव के संयुक्त रूप में, तो ये जो 4 जीवन मूल्य है ये धर्म से संबंधित है ना, यही धर्म है। मानव सुख धर्मी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मानव शांति धर्मी है, मानव संतोष धर्मी है, मानव आनंद धर्मी है ना। इसीलिए सुख का भासाभास के साथ शांति का भी भासाभास होता ही है, जैसे कभी हमको शांत लगता है, कोई विचारों में कोई ना अंतर्पण नहीं है, कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं है ना, हम बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं किसी के साथ, ऊपर की चीजें हो सकता है कि अभी संतोष का अनुभव नहीं है उसमें है ना, तो लगेगा कि ये पूरा नहीं पड़ा, फिर वो बीच में इंटरप्ट भी होके टूटता भी है, कल हम इस पर बात किए थे। स्वभाव को देखेंगे तो मानव का जो स्वभाव है पूरा धीरता से लेकर करुणा तक है, तो ये भी फिर साक्षात्कार की वस्तु बन गई। गुणों के जगह देखेंगे तो ये जितने संबंध मूल्य हैं,
तो मूल्य जब कहेंगे तो ये सारा धर्म गुण और स्वभाव तीनों मिलकर मूल्य है, ये एक ध्यान में रखने की बात है। मूल्य शब्द हम कौन से अर्थ में यूज कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मूल्य का अनेक परिभाषा दिया है, वस्तु ही ऐसी है कि ये भी मूल्य है, वो भी मूल्य है, ये भी मूल्य है, सारे मिलकर मूल्य है, तो किसी एक परिप्रेक्ष्य में, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में फिर मूल्य शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे व्यवहार के मूल्यों की भी बात करेंगे तो स्थापित और शिष्ट मूल्यों की बात हो रही है, ठीक है ना, होने के रूप में मूल्य की बात करेंगे तो धर्म की बात हो रही है क्योंकि वो भी मूल्य है, इसी को भाव भी कहा है, यही भाव, भाव का मतलब ही है अस्तित्व, है ना। जैसे एक लाइन आता है अस्तित्व ही संपूर्ण भाव है, एक पढ़े हो गया मतलब हम पढ़े ही हैं इसको, तो अस्तित्व ही संपूर्ण भाव है, ऐसे आता है अस्तित्व ही संपूर्ण भाव, तो ये सारा ही मिलकर भाव है, इसमें से जो परस्परता में व्यक्त होता है ये गुणों के रूप में व्यक्त होता है। जैसे एक लकड़ी है तो लकड़ी गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना, गर्म होने से उसमें चमक पड़ रही है, मतलब आग है ना, उसका पीलापन पड़ रहा है, उसका स्वभाव तो यथावत है, पर लकड़ी के होने का परस्परता में जो लक्षण हमको मिलता है उसके गर्मी ठंडी है ना, किसी भी वस्तु का, जैसे भोजन का, दूध का, हर वस्तु का ऐसे ही है, वैसे ही मानव का भी है, तो परस्परता में जो व्यक्त हो रहा है उसको गुण कहेंगे, है ना, गुणों के माध्यम से क्या व्यक्त हो रहा है, मेरा स्वभाव ही व्यक्त हो रहा है, तो ये धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा कैसे व्यक्त होगा, इन 18 मूल्यों के द्वारा व्यक्त होगा, ठीक है, तो धीरता है ये कैसे दिखेगा, इन्हीं मूल्यों के द्वारा दिखेगा, सम्मान के द्वारा दिखेगा, स्नेह के द्वारा दिखेगा, तो धीरता को यदि हम देखेंगे तो धीरता का मतलब है कि हम न्याय के पक्षधर हैं, है ना, उस संबंध के संरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हो गए, ये धीरता है, उस प्रतिबद्धता को हम कैसे व्यक्त करेंगे वो परिप्रेक्ष्य अनुसार बदलता है, ये गुण है, है ना, तो उसमें स्नेह और सम्मान इस प्रकार के मूल्य समाये ही है, उसी रूप से धीरता व्यक्त होगा, एक व्यक्ति में धीरता है ना, परंतु परस्परता में द्वेष दिखता है, ये तो संभव नहीं है ना, हम परस्परता में ईर्ष्या रखे हैं और तुम धीर हो, ये तो नहीं है, ठीक है ना, ये वाली है ना, वैसे ही वीरता, वैसे ही उदारता, स्वभाव में उदारता है ना, और गुणों में ममता नहीं है, ये तो नहीं होगा, मैं बहुत ही उदार हूं पर आपको चोट लग गई है ना, बहुत सॉरी, आप अपना देख लो, मैं अपने घर जा रहा हूं, ये तो नहीं होगा, तो धीरता वीरता उदारता ही इन गुणों के द्वारा व्यक्त हो रहा है, और मूल में यदि देखेंगे धीरता से लेकर करुणा में क्या व्यक्त हो रहा है, मेरा ही सुख शांति संतोष आनंद जो धर्म है वही व्यक्त हो रहा है, धर्म स्वभाव के द्वारा व्यक्त हो रहा है और स्वभाव जो है गुणों से व्यक्त हो रहा है, ये सारा मिलकर फिर मूल है, ठीक, इसमें चिंतन क्षेत्र में प्रेम श्रद्धा तथा वात्सल्य को रखा गया है, प्रेम संपूर्ण मूल्य है, उसमें सारे मूल्य समाये हैं, व्यवहार के जगह यदि विश्वास को देखेंगे तो वो गुणों में आएगा, इधर स्थापित मूल्य, ठीक, ये सारे स्थापित हैं, क्योंकि विश्वास एक विशाल मूल्य भी है, तो ये सारा ही मिलकर फिर विश्वास भी कहलाएगा, तो मुझ में यदि सुख शांति संतोष है, मान लीजिए इसका मतलब है कि मेरे अंदर अंतर्गत नहीं है भी। मन वृद्धि के अनुसार, मतलब मैं जैसा सोच रहा हूं वैसे कर पा रहा हूं, जैसे इच्छा किया वैसे ही विचार हो रही है ना, और जैसा होना है वैसी इच्छा हो रही है, ये स्वयं में विश्वास का आधार बना, मुझे अपने पर विश्वास जो नहीं होने के लिए कारण को देखेंगे वो कुल मिलाकर इतना ही कि मैं जैसा सोचा वैसे हो नहीं पा रहा हूं, वैसे कर नहीं पा रहा, मैंने सोचा कि आज के दिन मैं ऐसे व्यवहार करूंगा नहीं करूंगा वैसे नहीं हो पा रहा, ये मुझे मेरा स्वयं के प्रति ही अविश्वास हो गया, या जैसे मैंने इच्छा किया वैसे सोच ही नहीं पा रहा हूँ, वैसे विचार ही नहीं हो पा रहा, उल्टा ही हो रहा है, या उसकी विपरीत हो रहा है, या उसकी संतुष्टि ही नहीं हो पा रही है, तो फिर संतोष नहीं हुआ, संतोष नहीं है तो विश्वास अविश्वास की जगह वो बन गई,
ठीक है, तो ये विश्वास जो है इस रूप से आया है। तो ये जो स्थानिक मूल्य है इनकी अभिव्यक्ति जो होती है वो शिष्ट मूल्य द्वारा होता है। ये सब हम पढ़े ही हैं, सुने ही हैं। तो विश्वास कैसे व्यक्त होगा? तो आप में यदि विश्वास है, मुझे जो दिखेगा और एक मानव को, आप सौजन्य है ये मुझे दिखेगा, जो व्यक्त हो रहा है वो सौजन्यता है, उससे मेरे में अनुमान बनता है कि आप में विश्वास मूल्य है। ठीक है, वैसे ही समान का सौहार्दता, यदि सौहार्दता है तो फिर समान गौरव है तो सरलता दिखेगा, तो उल्टा सरलता है तो फिर गौरव है। तो ये जैसे अभ्यास दर्शन में एक लाइन आता है ना कि ये जो शिष्ट मूल्य है, शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होता है और स्थापित मूल्यों का की अनुभूति होती है। तो अनुभव एक शब्द है जो आत्मा में होने वाली क्रिया है, आत्मा में अनुभव। तो अनुभव एक, अनुभूतियां अनेक, ये आपने सुना होगा। यही इसका मतलब है कि पूरे जीवन में जो मूल्यों की अनुभूति होती है, तो ये जो सुख शांति संतोष आनंद है ना, यही फैल कर धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, वही फैल कर विश्वास से लेकर ममता तक पूरा जीवन जो है मूल्यों से भर गया। ठीक है, तो ये हो गया मूल्यों की अनुभूति। तो आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति और मन, तो कुछ मूल्यों का अनुभव मन करेगा, कुछ मूल्यों का अनुभव वृत्ति करेगा। मन करेगा का मतलब वृत्ति के साथ ही करेगा, बात करते समय हम अलग अलग बात करते हैं, वो होते समय एक साथ ही होता है। कुछ मूल्यों का अनुभव चित्त करेगा, कुछ मूल्यों का अनुभव बुद्धि करेगा, और ये है ना, ये भी मूल्य है ना, सुख शांति संतोष, यही तो मूल्य, ये सारे हैं मूल्यों की अनुभूति। स्थापित मूल्यों की अनुभूति तथा शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होता है। उस लाइन को हम लास्ट में आप यही बोले थे ना कल, हाँ, मूल्यों की अनुभूति, उसी पर बात हो रही। ठीक, तो बुद्धि में आनंद, चित्त में संतोष है ना, प्लस जो छह स्थापित मूल्य, वृत्ति में शांति का अनुभव, मन में सुख का अनुभव, आत्मा में परमानंद का अनुभव, ये मूल्यों की अनुभूति की बात है। तो इस विधि से हम ये शोध में जानने मानने की वस्तु तथा पहचानने निर्वाह करने की वस्तु, ये कुल मिलाकर फिर जीवन में स्वभाव धर्म के रूप में कैसे आता है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये शोध का एक बेसिक हमने वो किया। कल एक भी ये भी बात हुई थी, मूल्यों का अध्ययन नहीं है, अनुभूति है, तो वो इसी को रीइंफोर्स। हाँ, तो वो वही, तो अलग अलग लाइन वो परिपेक्ष, तो मूल्यों का अध्ययन नहीं है का मतलब वहां पर संबंध मूल्यों की बात हो रही है। अच्छा, हाँ, ये दोनों लाइन आपको आएगा। मूल्यों की अध्ययन नहीं है ये जब कह रहे हैं, है ना, तो अध्ययन है स्वभाव धर्म का। तो वहां पर संबंध मूल्यों की बात हो रही है, जैसे ये सौहार्दता है, सौहार्दता संबंध को पहचानने से मूल्य बहते हैं, ये एक लाइन है जो सुनने में आता है, है ना, मूल्यों को फिर याद नहीं करना पड़ता है। हाँ, मूल्य क्या है ये हम सोचेंगे, बट वो सोचना अपने में मूल्य नहीं हो रहा ना। जैसे स्नेह क्या है मैंने सोच लिया, है ना, परिभाषा पढ़ा, सोच लिया, फिर मैंने उसको कल्पना भी कर लिया, इमेजिन भी कर लिया कि स्नेह ऐसा होता होगा, परंतु स्नेह का अनुभव फिर एक अलग वस्तु है, वो केवल वो भाषा नहीं है, वो तर्क नहीं है, वो अनुभूति है। वो या तो विचार के रूप में हो रहा है, या चित्रण के रूप में हो रहा है, या मन में आस्वादन के रूप में हो रहा है। जैसे स्नेह कहती
एग्जांपल उदाहरण लेंगे तो मन में आस्वादन है, फिर से मूल्यों का आस्वादन जो कहा है, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक है ना, और उसमें सारे मूल्य समाये हैं, तो मूल्यों के आस्वादन में यदि देखेंगे तो फिर बहुत सारे मूल्य आ जाएंगे ऐसा। इसीलिए फिर मूल्यों का अध्ययन, जैसे स्नेह का वैसे अध्ययन नहीं है, ये स्नेह है इसको पहचानेंगे जरूर, पर वो कब होगा, संबंध की पहचान से होगा। इसीलिए पहचानने निर्वाह करने की वस्तु ऊपर लिखा है, संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, परिभाषा भी लिखी ऐसी लिखी है। इनफैक्ट ये एक जरूरी चीज है कि मैं यहाँ जो कह रहा हूँ लिटरेचर में जो लिखा है उससे आपको टैली करना पड़ेगा, है ना। यदि टैली नहीं होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं ये भिन्न है अभी, नहीं तो आप है ना आगे जब भी। फिर दूसरा, बाबा जी के साथ जैसे 600-700 घंटे के ऑडियो है, 101 घंटा है ना घूम रहा है, उसमें भी यदि भिन्न कहा है, कुल मिलाकर हम जो बात कर रहे हैं कह रहे हैं वो हर आयाम से, हर परिप्रेक्ष्य, प्रत्येक वाक्य को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब एक कुछ हमने कहा और दूसरी जगह और कुछ कहा गया है उनके ओर से, तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे सही है, ये फिर सोचने का मुद्दा है। तो इसमें ये दिखता है कि जो पूरी वस्तु है, अस्तित्व है, जीवन है, ये लीनियर नहीं है, खंड खंड नहीं है, फ्लो है ना, देयर इज अ स्मूथ फ्लो, ये खंड खंड नहीं है। जैसे एक जगह हमने, और हमारा अभ्यास भी है इस सबसे, हम सब गुजरते ही है ना, मूल्यों का अनुभव, मूल्यों का अध्ययन नहीं हमने सुन लिया है ना, तो हमने सोच लिया कि अभी मूल्यों के बारे में हमको सोचना नहीं, अपने आप कहीं से आएगा, क्योंकि मूल्यों का अध्ययन नहीं है। ये हमने सुन लिया कि अनुभव के पहले न्याय नहीं होता, बहुत अच्छा, मैं अभी जैसे वैसे ही हूँ, मैं बुक पढ़ते रहूंगा है ना, किसी दिन अनुभव हो जाएगा, उसके बाद न्याय आ जाएगा है ना, या ऐसा कुछ, ठीक है ना, अनुभव हो जाएगा उसके बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ना पकड़ना कोई मुद्दा है ही नहीं ना, इसमें कहीं भी नहीं है ना, ये सब जो पूरी बात है ये सब मानसिकता और समझ की बात है। हमारे आय का स्रोत एक बाह्य वस्तु है, कोई वो नहीं है। हाँ जी, एक तो जो बात हुई थी ना कि इसका जो चित्र बनना मूलों का, जैसे इसने का, तो मैं तो बहुत बार कोशिश किया लेकिन मुझसे चित्र नहीं बनता, जैसे मैं एक स्नेह को कल्पना में इसमें लेकर के आऊँ ना, तो इट्स लाइक ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं बनता है। तो और फिर जब उसको वैसे टाइगर में देखूँ तो एकदम ये आता है, भाष आता है कि जब हम बात कर रहे हैं प्रेम की, तो एकदम ये देखते हैं कि भाई विश्वास है कि या नहीं है, हम ये कहते हैं कि भाई विश्वास है या नहीं, हम ये नहीं तुलना कर पाते कि इतना इतना विश्वास है जैसे कि उसके रूप में। और तो फिर बाबा घूम करके कहता है कि यानी कि न्याय बाबा मूल है, ये निष्कर्ष तो बनता है कि अगर न्याय की बात करें तो मतलब किसी किसी बात है कि मूल की बात हो रही है और मूल का निर्माण होना है, यहाँ तो मैं पहुँच जाती हूँ, लेकिन जब मैं मूल का या भाव का वो चित्र बनाने की कोशिश करती हूँ तो वो चित्र एक तो नहीं बनता है। और कहना कहीं एक तो ये भी आता है कि भाई माता भी नहीं है अपने आप में भाव, और वो भी नहीं है, तो फिर वस्तु के रूप में क्या हुआ, मतलब है एकदम तो यह है कि ये जीवन की किया है, लेकिन अगर उसको अगर पूरे इसमें दृष्टि पर देखते तो जितनी जो उसकी क्वालिटी देखते हैं वो पूरी रखते हैं कि व्यापक वाली बात हो रही है कि उसमें हम तोड़ नहीं सकते, उसमें कोई माता का वो नहीं है, तो इकाई है तो कुछ माता है या कुछ वो है। अगर देखा जाए तो भौतिक सैनिक वस्तु में भाई है, जीवन में भी कहा जाए तो बहुत अच्छे रूप से लेकिन कहते हैं कि जीवन का भी अपना बाहर है स्वरूप है, लेकिन विश्वास का कोई स्वरूप मुझसे नहीं पड़ता। तो एक तो मेरे को ये करना है कि मैं सही हूँ कि नहीं है, तो मैं निष्कर्ष, तो इसलिए मैं आगे ये नहीं कह सकती कि यही न्याय है, ठीक है ना, वो इसी विधि से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बट उसमें यह है कि जैसे विश्वास है या नहीं है इस वाक्य को भी ठीक से सोचना चाहिए। नहीं, विश्वास फिर चित्र नहीं है ना, विश्वास फिर एक भाव है या एक अनुभव है, और फिर ये जीवन में कहाँ हो रहा है, किस स्तर तक हमको अनुभव हो रहा है उसके हिसाब से है ना। जैसे स्वयं में विश्वास की यदि बात करेंगे
ये परस्परता है मानव के प्रति विश्वास, तो उसमें भास हो रहा है या अभास हो रहा है ये हम देख ही सकते हैं। जैसे अभी हम लोग इस परिसर में हैं, हमारे कमरे अपने खुले रहते हैं, है ना, तो एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास कुछ तो है ही, ठीक है, अनुभव नहीं है, पर हम अविश्वास पूर्वक इस कमरे में बैठे हैं, ये तो क्या ये कहना बनेगा नहीं, है ना। जैसे मैं आपको बुद्ध नहीं बना रहा हूं, ये कुछ तो आपको विश्वास है, आप जब तीसरा दिन है आप लोग बैठे हैं, यदि बुद्ध बना रहा हूं लगता तो चल देते, नहीं सीधी सी बात है ना, ये फट्टे फेंक रहा है ना, ये यदि आपके मन में आ गया और मान लीजिए उसके लिए योग्य मैंने कुछ मेरे ओर से कोई व्यवहार या है ना बात करते समय कुछ ऐसे ही मैंने कर दिया तो बंद हो जाता शिविर। तो जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको तर्कसंगत लग रहा है, दूसरा ऐसे नहीं कि मैंने खुद का कुछ कविता बनाया, जो लिखी हुई बातें हैं दर्शन में और जो भी संवाद है उसी को एकत्रित करके एक विधि से एक क्रम से अपन बात कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। ऐसे नहीं कि हमने ये क्या है मनन के परिभाषा को पैदा किया, ये लिखा ही है ना, देश तत्व तो लिखा ही है, तत्व का परिभाषा लिखा ही है, देश का परिभाषा लिखा ही है, आप भी ढूंढने जाएंगे वही मिलेगा, तो ये सब फिर एक विश्वास का आधार ही बनता है ना, ये सारा मिलाकर कि जो बात हो रही है ये तर्कसंगत है, दर्शन में भी ऐसे लिखा है, साथ में आपको भी ठीक लग रहा है, ये सब मिलकर एक विश्वास का वातावरण बन रहा है, बौद्धिक विश्वास। दूसरा है कि व्यवहारिक विधि से देखेंगे तो वहां पर भी कुछ विश्वास का जगह है ही, जैसे जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया वो छोड़ के चल दिए हैं, है ना, चले गए परसों संजीव भैया, है ना, मतलब इसका जो भौतिक स्वरूप जिन्होंने खड़ा किया इसी विश्वास के साथ छोड़ के गए हैं कि ये बनी रहेगी, है ना, एसी वैसी और सारी चीजें ये लोग जब बात करके जाएंगे, तो ये विश्वास यदि देखेंगे तो ये विश्वास अपेक्षा के रूप में भी है, बट साथ में इसका कोई भाव और अनुभव पक्ष भी है, ठीक है ना, ठीक है, संपूर्ण नहीं है, तो वहां से फिर हमारी कहानी स्टार्ट होती है। इसीलिए वो इसके पहले भी हम जो की बात किए कि इन सारे मूल्यों का भास आभास और प्रतीति तो है ही, जीरो नहीं कहीं भी, भास भी एक बड़ा बैंड है बट कहीं भी जीरो नहीं। एक आदमी विवाह करता है ये सोच के विवाह करता है कि जिंदगी इसके साथ जीऊंगा, अविश्वास पूर्वक शुरू करता है तो पहले से साइन करवा लेता है, अभी करते भी हैं कई जगह, प्रीनप बोलते हैं, प्रीनप्शियल अग्रीमेंट, विवाह के पहले दोनों पक्ष के लॉयर बैठते हैं और ये तय करते हैं कि यदि ये विवाह टूटती है तो उसके सेपरेशन के टर्म्स क्या होंगे, कितना पैसा किसको कौन देगा, पहले से तय कर लो भैया, बाद में कोर्ट में झंझट में, तो वो एक प्रकार का भी, बट उस अविश्वास के होते हुए भी है ना, विश्वास का कुछ तो पुट है तभी तो प्रेम बनाता है, शून्य विश्वास है तो प्रीनप्शियल अग्रीमेंट ही नहीं करता, उस विश्वास में कुछ एक प्रश्न चिन्ह है इसीलिए उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो विश्वास जीरो विश्वास कुछ होता नहीं, विश्वास मूल्य की संपूर्णता हमको अनुभव हो रहा है कि नहीं, उसको हम पूर्णतया जी पा रहे हैं कि नहीं, इसका जो फाइनल पॉइंट है वो है अनुभव प्रमाण, क्योंकि अनुभव की जो परावर्तन क्रिया है उसका नाम ही है प्रामाणिकता, है ना, तो प्रमाण प्रमाणित करने का मतलब ही है कि अनुभव प्रमाणित हो रहा है, प्रामाणिकता का मतलब क्या हुआ, अनुभव ही पूरे जीवन में प्रमाणित हो रहा है, यही प्रामाणिकता क्रिया है, वो फाइनल है ना, उसके पहले प्रतीति है, उसके पहले आभास है, पास ऐसा, ठीक है लेकिन फिर जब कैसे जब कोई उसका वो कोई विवर नहीं बनता है तो विभिन्न यही आती है, मैं पता करूँ इसको मैं व्यवहार में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूँ, मैं फिर वहां पर जाकर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो फिर वही लगता है कि बाकी मैं विश्वास को समझी हूँ कि नहीं समझी हूँ, या विश्वास का यही अर्थ है, वही तो फिर आगे का फिर वही पार्ट इक्वेशन आता है, ठीक है ना, वही तो हम यही कहते थे कि विश्वास को समझना मतलब उसका तर्क पकड़ में आया कि वो भाव के रूप में आया या वस्तु के रूप में आया, ये यदि हम क्रम को देखेंगे इस जगह पर शास्त्र अध्ययन के जगह पर, ये लिखता है
इस जगह पर यदि देखेंगे शास्त्र अध्ययन के जगह पर तर्क है ना, मनन के जगह पर यदि देखेंगे तर्क प्लस भाव और प्रतीति के जगह पर देखेंगे भाव प्लस वस्तु, मतलब दोनों एक ही है, अलग नहीं है, ऐसे इसका क्रम है ना। और ऊपर गए तो फिर संपूर्ण भाव और संपूर्ण वस्तु, तो एक जगह लॉजिकल है विश्वास और न्याय नियंत्रण, लॉजिकल एक प्रिमाइस है, उसको जब चित्रित करेंगे मतलब मनन पूर्वक जब हम करेंगे या मनन के क्रम में, तो कहीं ना कहीं उसका तर्क से एक ऊपर की स्थिति को हम पहचान पाएंगे ना अपने में, कि पहले विश्वास या स्नेह या सरलता एक भाषा और लॉजिक था, अब लगता है कि उसे अधिक कुछ है, तो यही क्रम है उसका। हाँ, उससे अधिक है, अब वो क्या अधिक है कहाँ है वो हमारे मूल्यांकन के लिए मुद्दा है, उसको आगे देखेंगे है ना, हमारे मूल्यांकन में आएगा, हमारा अध्ययन का हम स्वयं ही मूल्यांकन करेंगे ना, कि हमारी जो अध्ययन है हम यहाँ पूरा हुआ यहाँ पूरा हुआ कि कहाँ पहुंचे, और ये सतत फिर कार्यक्रम है क्योंकि वही जीवन का कार्यक्रम है। ये लगने वाला जो भाव है, अधिक वाला जो भाव है लगने वाला, तो ये जीवन में है और ये जीवन में दिख रहा है वो स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ये लगने वाला भाव है। हाँ, तो ठीक है ना, शुरू में स्पष्ट नहीं होगा, शुरू में ही सारा स्पष्ट हो गया तो आगे क्यों जाएंगे, अस्पष्ट है तभी तो आगे अध्ययन है ना, शुरू में यदि सारी चीजें स्पष्ट हो गई तो यहीं पर शांति हो गई, हो गया पूरा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, किसी को पढ़ के रुकना है तो रुके, उतने में हम संतुष्ट हैं, उसका अपना एक लाभ है, इसकी ओर हम जितना भी कदम रखें उतना लाभ ही लाभ है, घाटा तो कुछ है नहीं, हम विश्वास को सोच लिया और मैंने समय बर्बाद कर लिया ये तो है नहीं है ना। अब विश्वास को सोचने के लिए हमने आसपास तोड़फोड़ कर लिया तो एक अलग मुद्दा है है ना, चार लोगों से झगड़ा कर लिया, नौकरी छोड़ दी, मतलब कुछ भी है ना, रास्ते पे आ गए, नौकरी छोड़ दिया, खेती छोड़ दिया, कुछ तो किया, शादी ही छोड़ दी, रास्ते पे आ गए तो फिर है घाटा मान सकते हैं, पर अदरवाइज तो उसमें कोई घाटा है नहीं। ठीक, तो अस्पष्ट तो रह गई भैया, ये हम नहीं कह सकते कि पूरी स्पष्टता यहां 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 बन जाएगी, ये स्पष्टता के क्रम है। जो बात हो रही है कि भाई ये मनन से साक्षात्कार में जाने के लिए, तो हम बार बार ये जो लाइन लिखी है नीचे कि सबसे पहले अंत के रूप में स्वयं होना जीने प्रसीने की प्रवृत्ति न्याय धर्म सत्य का निष्कर्ष निकल जाना, कि मतलब यही न्याय है, तो अगर हम महापा भाव के प्रति पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पाएंगे तो नेचुरली आगे का नहीं करेगा, वही तो नहीं करेगा, इसीलिए उसमें लिखा है एक लाइन अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास, जैसे न्याय है नियम है ना, संबंध है विश्वास है, ये सारी चीजें इनको चित्रित करने का अभ्यास, तो पहला तो ये देख पाना कि मैं इसको चित्रित नहीं कर पा रहा, इसका लॉजिक आ गया, ये फर्स्ट स्टेप है ना, तो ये क्या है करते करते एक समय हम चित्रित करना शुरू कर देंगे, उसके लिए जो भी सपोर्टिंग, वो तो कल बात हो गई थी कि हम मतलब पुस्तकों के साथ है ना, पुस्तकों के सहारे के साथ, मतलब पुस्तकों के सहारे शोध भी होगा या होता है, और साथ में इस प्रकार की गोष्ठियों में बैठना, परस्परता में उसको बातचीत करना, क्योंकि अभी जब मतलब हम जितने मुद्दों को बात कर रहे हैं वो एक एक मुद्दा एक एक घंटे का है, उसके लिए तो फिर 15-20 दिन चाहिए, एक महीना चाहिए है ना, जैसे धीरता वीरता उदारता एक एक करके लेंगे कि धीरता क्या है, पौन घंटा निकल जाएगा, एक घंटा निकल जाएगा बातचीत करते, क्या ये धीरता क्या ये धीरता, वो तो फिर अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस क्रम में फिर हमारी गति बनेगी ना, उसी क्रम से बनता भी है,
पहले दिन में सुने थे परीक्षा शिविर में धीर था, है ना, आज 8वां साल हो गया, मान लो 6ठा साल हो गया, आज भी वही चल रहा है धीरता। तो इस बीच में हुआ क्या, धीरता का भाषा और तर्क आया, धीरता उदारता ये सारे याद हो गए, इन सब के बीच में इंटरकनेक्शन स्पष्ट हुआ। अब लगता है कि ये तर्क तो आ गया, अब ये धीरता है क्या फाइनली। ये दूसरी जिज्ञासा से तो आगे बढ़ेगा ना, तो जीवन में जिज्ञासा बना कि अभी धीरता चाहिए, धीरता को समझना चाहता हूँ। तो धीरता के अर्थ में फिर चित्रित करेंगे, है ना, वो यदि धीरता के अनुरूप हुआ तो वह साक्षात्कार हुआ, तो ये पता चला कि यही धीरता है, वही विधि है इसका, मतलब आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वही उसका आंसर है, ये मैं कह रहा हूं। उस जिज्ञासा का होना और उसको करना ही उसका आंसर है, ठीक है। इसमें आपने सर ये कहा है कि जो ये संबंध मूल्य हैं इनका अध्ययन नहीं होता, तो प्रयोग और अभ्यास तो होता है इनका। हाँ, अभ्यास तो होगा ही। हाँ, मैंने कहा, मतलब मैंने जो सुना वो आपको बोला। मैं कैसा बोल दूं संबंध मूल्यों का अध्ययन नहीं होता भाई, हमारी क्या औकात है बोलने की क्या अध्ययन होता नहीं होता, मैं कहां से पैदा करूं, जो सुना है वही आपको बोल रहा हूँ, पर स्मरण ठीक है, ये भी उस पर विश्वास है। हाँ ठीक है ना, एक प्रश्न यहाँ मेरा ये हो रहा है, जैसे अनुभव ही प्रमाणित होता है। हाँ, अनुभव ही प्रमाणित होता है। हाँ, तो जैसे बाबा जी अनुभव को प्रमाणित करते हुए, मतलब वो अनुभव को प्रमाणित कर रहे हैं, ऐसे जितने उनके संपर्क में रहे लोग उनको ऐसा विश्वास होता होता है। हाँ, उन लोगों को विश्वास हुआ जो उनके संपर्क में रहे, या जो उनको सुनते हैं उनको भी ये विश्वास होता है कि ये जो बोल रहे हैं अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। तो जो जिनको विश्वास हो रहा है, जैसे जो बाबा जी के संपर्क में लोग रहे हैं, तो उनको जब विश्वास हो रहा है तो ये प्रमाणित रहती है और अनुभव भी प्रमाणित होता है। तो अल्टीमेटली जो जिनको विश्वास हो रहा है वो अनुभव का ही तो विश्वास हो रहा है उनको, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्या? नहीं, वो उनके अनुभव का विश्वास हो रहा है ना। उनके अनुभव का विश्वास हो रहा है, तो उनके अनुभव का विश्वास मतलब उस अनुभव का अनुमान होता है, उनके अनुभव का जो विश्वास है उस पर उसका अनुमान। अनुभव अनुभव तो एक सत्य है ना, किसी आपका अनुभव और मेरा अनुभव तो अलग नहीं हुआ ना, क्योंकि अनुभव तो एक सत्य है, अनुभव अलग अलग तो है नहीं कि अनुभव एक अनुभव ये है, एक अनुभव ये है, एक आपका अनुभव है, एक मेरा अनुभव, अनुभव तो सत्य है, धर्म है, तो अनुभव ही प्रमाणित हो रहा है। किसी व्यक्ति को अनुभव हुआ है और वो अनुभव व्यवहार में प्रमाणित कर रहे हैं, जैसे नागराज जी बाबा जी अपने अनुभव को जितने उनके संपर्क में लोग रहे हैं उनको ये विश्वास हुआ कि इनका अनुभव प्रमाणित हो रहा है, तो जो समझ रहे हैं उनके व्यवहार को देखते हुए, तो जो समझ रहे हैं तो वो अनुभव को ही तो समझ रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। तो जो अनुभव को समझा जा रहा है, तो अब मैं जैसे मैं अनुभव को समझ रहा हूं, अगर मैं अपनी बात करूं कि सामने वाले व्यक्ति कोई अनुभव प्रमाणित कर रहे हैं, मैं उसको समझ पा रहा हूं, अब मैं उस अनुभव को प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है? नहीं, दोनों के बीच में यही अंतर है कि जो अनुभव को प्रमाणित कर रहे हैं उनमें संतुष्टि और ज्ञान है, और उनके संतुष्टि आचरण और ज्ञान का आपको सूचना मिल रहा है, उस सूचना को लेकर आपको स्वयं अध्ययन करके उसको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, वो आपके लिए प्रेरणा है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति यदि अस्तित्व में अनुभव करता है और कहता है कि ये मैंने अनुभव किया है, उनको जांचने के लिए हम 2, 4, 10 चीजें करते हैं, ये भी पूछते हैं, वो भी पूछते हैं, फिर पूछ के थक जाते हैं कि कुछ भी पूछो ये उत्तर देता है, तो ये लगता है कि ठीक है इनको पता है ना, फिर उनके व्यवहार को भी जांचते हैं, उनके कार्य को भी जांचते हैं, आचरण को जांचते हैं, इससे हमको विश्वास होता है कि हाँ अनुभव हो सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। फिर उनका जो अनुभव है वो जिस भी विधि से अभिव्यक्ति हो रहा है, उसका संप्रेषण हो रहा है, उसका प्रकाशन हो रहा है, ये सारा मेरे लिए मात्र सूचना है। ये सूचना का मेरे में श्रवण ही तो होगा ना, भाषा सहित अर्थ,
तो ये जो लिखा है भाषा सहित अर्थ कल्पना में आना, वाचन व श्रवण भाषा, सुना हुआ, बोला हुआ, देखा हुआ, ये सारा ही फिर दर्शन है ना। ठीक है, तो ये सबका अर्थ फिर हमारे में चित्रित होता है। ये हमारे लिए केवल श्रवण की वस्तु है, उस पर हमको स्वयं अपना मनन करके उस वस्तु को स्वयं हमको साक्षात्कार करना पड़ेगा, यही उसकी दूरी है। तो सामने वाले के अनुभव या उनके अनुभव प्रमाण को देखने से जो हमारे लिए दृश्य है उससे हमारे में अनुमान बनता है कि अनुभव ऐसा होता है, ये विचार है, ये सरलता है। ठीक है, हमारे लिए अनुमान ही है, अधिक कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कोई कुछ देखता हूँ, पढ़ता हूँ, या नागराजी का कोई वीडियो देखता हूँ, वो मेरे लिए अनुमान है कि ये वस्तु ऐसी है। जैसे दीदी अभी बात करती रही कि धीरता वस्तु के रूप में क्या है, अब धीरता वस्तु के रूप में आप पूछेंगे, है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने अनुभव किया है, वो फाइनली जो बोलेंगे धीरता का व्याख्या ही है, धीरता का मतलब ऐसा 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 ऐसा, है ना, बोलेंगे नहीं और भी नहीं समझना और बताओ ऐसा ऐसा। अब वो जो भी बोल रहे हैं वो भाषा नहीं है, वो भाषा के स्वरूप में आप में कल्पना होना पड़ेगा ना, श्रवण, फिर उसके अर्थ में आपको चित्रित करना पड़ेगा। अभी तो प्रमाणित व्यक्ति के आचरण को देखते हुए जो स्वीकृति हो रही है, यानी कि जो अनुमान हो रहा है, उसको प्रमाणित, क्योंकि अनुभव ही होता है, अनुभव ही प्रमाणित होता है, ये बात सत्य। प्रमाणित होना मतलब अनुभव प्रमाणित हो रहा है, ये काम है, अनुभव ही प्रमाणित होता है, क्योंकि बाद में जीवन क्रिया में भी लिखा हुआ है कि जब अनुभव होता है तो अनुभव प्रमाण बोध फिर बुद्धि में होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, जैसे नागराज जी के संपर्क में जितने भी लोग रहे उनके आचरण को देख करके हर एक व्यक्ति में अलग अलग विश्वास हुआ, स्वीकृति हुई उनके, क्योंकि वो अपना अनुभव ही तो प्रमाणित कर रहे हैं आचरण के माध्यम से। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जब उन लोग, उनके संपर्क में जितने भी लोग हैं या रहे, उनको उनके अनुभव का प्रमाण ही स्वीकृति हो रही है, अल्टीमेटली उनके अनुभव की तो स्वीकृति हो रही है सभी व्यक्तियों को अलग अलग रूप से, उनके अनुभव का अनुमान ही हो रहा है उनमें। तो आपका क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हो रही है, बट आप पूछना क्या चाह रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा है। प्रमाण को पहले प्रमाण से आप क्या समझते हैं? वो तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, आप उसमें पूछना क्या चाह रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा है। मैं पूछना ये चाह रहा हूं, एक अनुभव संपन्न व्यक्ति के प्रमाण को देखकर बाकी लोगों में विश्वास होता है कि इस आदमी ने अनुभव किया है, ऐसा लगता है, ये इससे मैं भी सहमत हूँ, इससे उसमें हम, हमारा क्वेश्चन क्या है ये क्लियर नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली जो समझ आ रही है, विश्वास जो बन रहा है, वो अनुभव का ही तो विश्वास बन रहा है। उनके अनुभव का अनुमान आप में बनता है, आप जब अनुभव करेंगे तब वो आपका विश्वास बना, यही तो है। नहीं तो ये हो गया कि एक आदमी अनुभव कर गया, बाकी सबने उसको देखकर उसके साथ रोटी बना ली, सबको हो गया अनुभव, ऐसा तो नहीं है ना। उसमें हमारे जीवन की जागृति हमारे में होना है ना, वो अनुभव भी जो दिखता है आपको वो भी अनुमान ही है। और ये कुछ है नहीं है कि सब लोग नागराज जी के अनुभव को देखकर विश्वस्त हुए, कुछ लोग झगड़ा भी किए उनसे, आज भी ऐसे लोग घूम रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अनुभव कर लिया और बाकी सबने मान लिया कि आपका अनुभव हो गया, उनके अनुभव पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है आज भी लगता है, उनके दर्शन पे भी लगता है आज भी लगता है। ये कुछ भी जरूरी नहीं है कि एक आदमी अनुभव करने से उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं सब लट्टू हो जाएंगे, वो तो बिना अनुभव का भी आदमी लट्टू होता ही है। अभी तो बिल्कुल ही डबल माइंड लोगों के लिए फिर बड़े बड़े सभा लगते हैं, 5-5, 10-10 हजार, 4-4 लाख आदमी लट्टू होता है। नहीं, उस बात में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप जो उसी को, मैं दूसरा, इसको सुनिए ठीक से, किसी को अनुभव हो गया उससे आप पूरा विश्वस्त हो गए ये कोई गारंटी नहीं है। मेरा देखा हुआ चीज है, नागराज जी के अनुभव पर भी प्रश्न चिन्ह लगा, उनके बोध पर भी लगा, उनके तर्क पर भी लगा, आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और ये सारे स्वतंत्रता है, देखो कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता हर जीवन में रखा है, ये कोई गलत भी नहीं है, ये सहज है, ये होगा ही,
कल कोई मैं यदि खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे अनुभव, एक तो हमारी पत्नी नहीं मानेगी, वो एक गलत बात है, मान लो कि वो मान भी जाएगी, है ना, आपको क्या लगता है हमारे साथ वाले मित्र मान लेंगे? यदि मैं कहता हूँ कि अनुभव हो गया, बोला बहुत अच्छी बात है, चलो चाय पी के आते हैं, यदि प्रतिदिन बोलूंगा तो बोलेंगे यार इसको कहीं ले जाओ, है ना, देख लो इसको क्या हो गया, परसों से बोल रहा है मुझे अनुभव हो गया, है ना। तो विश्वास भी इतना आसानी से होता नहीं, एक तो पहली बात है ना। तो अभी भी लोग फिर ये कहते ही है कि नागराज जी का अनुभव ठीक है, उनका दर्शन ठीक नहीं है, दर्शन को ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सारा अधिकार आदमी के पास रखा ही है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मैं उस बात को इंगित कर रहा हूं कि किसी में अनुभव हो गया उससे बाकी लोग बढ़िया संतुष्ट हो गए कि अनुभव हो गया, ये जरूरी नहीं है, ये होता नहीं है ऐसे, क्योंकि हर आदमी कुछ सोचा ही रहता है, उसका कुछ कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है, उसका अपना एक तर्क होता ही है ना। अभी भी हम सोच ही सकते हैं कि जैसे गठनशील परमाणु गठन कुंड बन गया, बाकी सब तो ठीक है, ऐसा लगता है कि बाबा जी ने उसको चिपका दिया, है ना, कि ऐसा गठनशील से गठनपूर्ण होने से बढ़िया लगेगा, चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। ये भी संभावना है, देखो संभावना के रूप में तो सारी चीजें रखी हुई रहती है, वो सब इधर ही निपट जाता है। शास्त्र अध्ययन हुआ, एक्चुअली श्रवण की पूर्व भूमि है वो, मेरे अनुसार कहीं लिखा नहीं है, परंतु उस व्यक्ति उस वस्तु और विधि तीनों और स्वयं पर, ये चारों चीजों पर विश्वास हुए बिना श्रवण का कार्यक्रम भी शुरू नहीं हो सकता, कैसे होगा। मैं फिजिक्स के क्लास में बैठा हूं, है ना, ये आदमी फिजिक्स जानता है कि नहीं इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, ये जो फिजिक्स का बुक है ये पूरा ठीक है कि नहीं इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, ये जैसे पढ़ा रहा है इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, तो फिजिक्स कहां से आएगा भाई, हम पूरे टाइम तो डाउट ही जिंदगी निकाल लेंगे। तो शोध करने पे आएगा, हैं? शोध करने पे, शोध अनुसंधान, हाँ ठीक है ना, उस व्यक्ति ठीक है, उस व्यक्ति लग रहा है वही तो उसका शोध ही करना पड़ेगा, उस शोध नहीं अनुसंधान, उस व्यक्ति को अपना खुद का फिजिक्स ढूंढना पड़ेगा, यही उसका उत्तर है। और वो भी प्रावधान रखा ही है, नागराज जी तो संयम कैसे करना लिख के चले गए, हमने एक बार पूछा था, आपने एक ही लाइन लिखा, धारणा ध्यान समाधि के जगह समाधि ध्यान धारणा, उनका उत्तर बहुत ही सटीक था, जो उस जगह पर पहुंचेगा है ना उसके लिए ये लाइन पर्याप्त है। जिसको समाधि हो गई और उनको यदि ये लाइन आया कि समाधि ध्यान धारणा से संयम होता है, ये एक लाइन पर्याप्त है, ये इशारा से वो संयम कर लेगा, हो गया। तो उसका भी प्रावधान लिखे गए, वो लिखा ही है। तो जिनको इससे मजा नहीं आ रहा है, अपना धारणा करो, ध्यान करो, समाधि करो, उसके बाद संयम करो, दोनों विधियां हैं, उन्होंने रोका नहीं, किसी को ये नहीं बोला आप मत करो, आपको करना बिल्कुल करो, क्योंकि उस विधि से भी होता ही है, उनको तो उसी विधि से बोल, अनुभव का अनुमान, अनुभव का अनुमान ये भी हम जो करते हैं भासाभास अनुभव का ही अनुमान है, पुस्तक पढ़ के जो आप में श्रवण होता है अनुभव का ही अनुमान है, आभास उससे अधिक अनुमान है ना। साक्षात्कार या प्रतीति फाइनली जो अवधारणा है उसका नाम दिया परिपुष्ट अनुमान, अनुमान की पराकाष्ठा, इसके ऊपर अनुमान होता नहीं, उसके बाद अनुभव है, ये सारा उसी अनुभव का अनुमान हो रहा है, ठीक? समझ के रूप में मन में भी समझ है, सारा अनुमान ही है। बाबा जी का अनुभव है, हाँ, और अभी तक किसी ने जो उनके संपर्क में रहे हैं, हाँ, अपने को ये घोषित नहीं किया कि मैं अनुभव शील हो गया, मैं भी अनुभव संपन्न हूँ, तो अनुभव प्रमाण तो हुआ नहीं अभी, प्रमाणित तो हुआ नहीं अभी, नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए फिर सोचने का मुद्दा है कि बिना प्रमाणित हुए अनुभव के लिए हम अपना माथा बच्ची करें कि नहीं करें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये सब यदि ठीक लगता है उपयोगी लगता है हम समय देंगे, यदि ठीक और उपयोगी नहीं लगता हम नहीं देंगे, सीधी सी बात है ना। यदि हमारे मन में ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए मेरे मन में आता है मैं पहला वेट करूंगा कम से कम तीन आदमी को हो जाए उसके बारे में सोचूंगा, तो ठीक है भैया वेट करेंगे, है ना, ऐसा लगता है कि वेट करने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीज है आदि से शुरू करता हूँ तो आदि से शुरू करूंगा, इसके लिए स्वतंत्र है, ठीक है। भैया कुछ कहने वाले थे, हो गया आपका, आप कुछ ठीक है, आगे बढ़े। तो उसी शोध में
ये चीजें आ गई, ये जो ऊपर लिखा है सी, इसमें चले। बहुत बढ़िया। तो इसको देखेंगे तो साक्षात्कार बोध अनुभव की वस्तु चिन्हित होना तथा प्रत्येक जीवन क्रिया से समझने की वस्तु का निश्चय है ना, जीवन की कौन सी क्रिया क्या करती है ना, उसमें क्या ग्रहण होता है, मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, मिनिमम वो क्या कर सकता है, इसको हम शोध करते हैं। तो आपको याद होगा शोध में हमने अस्तित्व, जीवन और आचरण लिखा था है ना, तो जीवन की क्रियाओं के शोध में फिर सारी चीजें समझ आती है। एक तो ये वाली बात है। फिर एक आता है विवेकात्मक अध्ययन, जो मानव व्यवहार दर्शन में हम पढ़ते हैं है ना, विवेकात्मक अध्ययन से जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व तथा व्यवहार के नियमों का बोध होता है, ठीक है। तो ये विवेकात्मक अध्ययन की जगह फिर मनन में ही समझ में आता है। उसके पहले ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करेंगे, तो पहले ही दिन से प्रयास है, पर विवेकात्मक अध्ययन का मतलब ही है सत्य असत्य दृष्टि से तुलन करना। विवेक क्या है? न्याय न्याय, और सत्य असत्य दृष्टि से तुलन करना, क्या सत्य है क्या असत्य है ना, जैसे जीवन है नहीं है, व्यापक वस्तु है नहीं है, जीवन ऐसा है कि ऐसा है, ठीक है ना, ये समाधान है कि ये समस्या है, फाइनली समाधान की वस्तु क्या है, धर्माधर्म, जैसे भी प्रदूषण हो रहा है उसके लिए हल क्या होगा, तत्कालीन हल क्या है, मध्यकालीन हल क्या है, दीर्घकालीन हल क्या है, और नित्य हल क्या है, नित्य समाधान क्या है इसके लिए ना। परसों बैठ के बात होती है, भैया कहते हैं कि टमाटर में ना वो बहुत कीटनाशक लगता है, इसका तत्कालीन हल क्या है, फिर उसके लिए हमको लगना और कोई लगेगा, ये दूसरा निर्णय है ना, इसका मध्यकालीन हल क्या है, इसका नित्यकालीन हल क्या है, तब तक के लिए क्या करेंगे, ये सारा फिर धर्माधर्म के तुलन में आएगा। वैसे ही न्याय है, आप जो पूछ रहे थे ये धीरता है कि ये धीरता है, ये संबंध का पहचान है कि ये संबंध का पहचान, ये मुझसे संबंध का पहचान हुआ नहीं हुआ, ये प्रिय विधि से किया मैंने कि धर्म विधि से किया, न्याय विधि से किया, ये जो है विवेकात्मक अध्ययन, ठीक। तो विवेकात्मक अध्ययन इसका मुख्य भाग है। तो ये सारी जीवन क्रियाओं का यदि देखेंगे और उसको बारीक करके, ये भी लिखा ही है मानव व्यवहार दर्शन में भी आता ही है ना, जीवन ये उल्टा लिखा है, जीवन से प्राण, मेधस, फिर हृदय, शरीर और व्यवहार, ये सब की दूरी को फिर शोध करना, जीवन का मेधस के साथ क्या तालमेल है क्या नहीं है, वहां से हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, हृदय का व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उल्टा है ना, व्यवहार का हृदय से लेकर मेधस से लेकर जीवन वाया प्राण, इसका क्या प्रभाव है, ये भी उसी अध्ययन में समाया है, ये भी मनन में करने के लिए एक ये आती है। तो दृष्टियां भैया एक कुछ, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, कैसे इसको समझेंगे, मैंने भी देखा भैया ये तो ऑब्जर्वेशन की ही बात है, प्रैक्टिकल इसका कुछ गणितात्मक वो तो नहीं आता है, मतलब धीरे धीरे अपने ही ऑब्जर्वेशन, अपने ही निरीक्षण करने की ही बात है ये। हार्ट का फिर वो पंपिंग, हाँ, हार्ट अटैक उससे भी आता है, जैसे स्टेज में आ गए तो हाथों में वो आ गया, आ जाता है पसीना निकल जाता है ना, तो उस समय फिर हम निरीक्षण, यदि उस समय हम स्वयं का हम निरीक्षण कर रहे हैं तो ये पता ही चलता है कि इसका मतलब मुझमें स्टेज फियर है, उल्टा है ना, मुझमें ये भय है इसीलिए हाथ में ये पसीना निकला, मतलब जीवन से शरीर तक इस टाइप का प्रभाव है। दूसरे विधि से हम बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ पूछा या कुछ कहा जो हम जो कहना चाहते हैं या उसके विपरीत है, तो हमारा पैर ऐसे ऐसे कांपना शुरू कर दिया, या बात करते करते हाथ कांपना शुरू कर दिया, ये सारा प्रभाव है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली करते समय और थियोरी दोनों को जोड़ते हुए फिर ये अध्ययन, उसको दूसरा कोई तरीका नहीं दिखता है, दूसरी कोई विधि ये आ गया। तुलन और चित्रण में, तुलन वृत्ति, न्याय धर्म सत्य का तुलन, न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होना, न्याय
धर्म सत्य में स्थापित होना। यहां पर मनन की जगह विवेकात्मक अध्ययन, यहां पर अध्ययन की जगह वृत्ति और चित्त के कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इन दृष्टियों को समझना, एक तो दृष्टियों को भी हम समझते हैं, तो दृष्टियों के बारे में तो बात हुई ही होगी, बहुत ही उसमें बहुत कुछ वो नहीं है। इसको ये आगे के लिए काम आएगा, नेक्स्ट टाइम लिखना नहीं पड़ेगा इसको। दस मिनट बच गया। ये भी तुलन हो भाई, ये भी तुलन। इस टाइम में पहली बार किया कल जो किया ना, पहली बार किया है। नहीं मतलब सोच के रखा था, कभी उसमें नहीं आया बातचीत करते समय, पर ये तो इसमें भी देखेंगे। तो ये जो दृष्टियों को देखना, तो ये जो छह दृष्टियां हैं इसको समझना कि ये हमारे जीवन में, हमारे में ये कैसे काम कर रहा है। प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म और सत्य, है ना, सही या अच्छा। ये हिलता है इधर, उसका स्क्रू अंदर नहीं गया है, गलत या बुरा। तो ये जो प्रिय हित लाभ संबंधी जो दृष्टियां हैं, है ना, इसको कहा है शरीर मूलक। तो ये भौतिक रासायनिक संसार संबंधी है, दूसरे भाषा में रूप गुण तक सीमित है, ठीक। तो जब तक हमारा उद्देश्य, हमारा कार्यक्रम रूप गुण संबंधित ही है, तो प्रिय हित लाभ दृष्टि से काम चल जा रहा है। दर्शन में जो पूरी जो बात है, पूरा जो प्रेजेंटेशन है, वो न्याय धर्म सत्य दृष्टि से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य के प्रति न्याय, अखंड समाज, वर्ग भावना से ऊपर उठना, ठीक, सार्वभौम व्यवस्था, नियम पूर्वक जीना, नियंत्रण, संतुलन, ये सारी चीजें उसी से संबंधित है। तो इसको यदि देखेंगे तो दर्शन, दर्शन का भाषा, ठीक है ना, और उसकी वस्तु, इसीलिए हम दृष्टियों को यहां कर रहे हैं, क्योंकि मनन का जो परिभाषा ऐसे सुनने में आता है कि मनन में न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होना है। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टियों का तुलन फिर हमारे में कैसे काम करता है वर्तमान में, ये फिर हमारे लिए स्वनिरीक्षण, स्वपरीक्षण का एक मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो एक सामान्य चीज हमको यहां दिखती है, जो हम सभी लोग इससे गुजरते हैं, कि दर्शन का जो भाषा और वस्तु हमारे में आ जाता है तर्क के रूप में, इसकी लॉजिक हमारे पास आ जाती है, है ना। इसमें भी दर्शन का यदि कोई भाग मुझे ठीक लग रहा है और कोई भाग ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सत्य के भाषा और वस्तु को लेकर अपने में प्रिय अप्रिय विधि से गलत मान लिया, मेरे लिए ये वस्तु अप्रिय है। जैसे भी मैं मानता हूं कि, मान लीजिए है ना, कोई भी दर्शनकार है, उन्होंने सत्य के बारे में लिखा है, मध्यस्थ दर्शन हो, एबीसी दर्शन हो, उसके दूसरे कोई प्रणेता हो,
कोई कुछ भी नाम रहे, तो ये वस्तु यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक नहीं है, उसमें दोनों संभावना है, या तो वस्तु ही गलत है और मेरा दृष्टि सही है, दूसरी संभावना है कि वस्तु सही है और मैंने उसको सत्यासत्य दृष्टि से देखने के जगह प्रिय अप्रिय दृष्टि से मैंने उसको तुलन कर लिया, तो मुझे ये अभी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। एक तो ये एक जगह बनती है, इस पर क्या होता है, दर्शन पर डाउट आ गया, शंका, क्या हो गया, शंका, एक तो ये वाला मुद्दा। अच्छा, शंका यदि है तो फिर हम यही यहां पर हमको काम करने की आवश्यकता है, फिर उसको मनन नहीं कहलाएगा, शंका के साथ तो कोई मनन होना ही नहीं है, मनन तो वास्तविकता का होना है, मानने के बाद कि ये वास्तविकता है, तो शंका की जगह कोई है ना उसकी संभावना नहीं है, लॉजिकली भी देखेंगे तो उसकी संभावना नहीं बनती है। दूसरा, हमारे पास एक समय में दर्शन की भाषा और वस्तु और तर्क भले ही आ जाती है, उसके लिए हमने कुछ न्याय धर्म सत्य दृष्टि हमारे में है ना क्रियाशील या प्रयोग हो गया, जो ये वाली जगह है इसका तर्क पूरा होना, पर हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो अभी भी प्रिय हित और लाभ से है, तो मैंने न्याय का परिभाषा और तर्क को पा गया हूं, परंतु मैं जब अपने व्यवहार का परीक्षण करूंगा या दूसरे व्यवहार का पहले का परीक्षण करूंगा, मैंने तो सही किया और उसने गलत किया, वो जो परीक्षण है वो प्रिय अप्रिय दृष्टि से ही हो रहा है ना, या मैं इस दर्शन को पढ़ाऊंगा इससे मैं फेमस बन जाऊंगा, तो ये कौन सी दृष्टि हुई है ना, एक प्रकार से लाभ होना वस्तु के रूप में नहीं पहचान के रूप में लाभ हुआ कि अलाभ हुआ, ठीक है। या यदि मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि इस दर्शन को मैं जैसा पढ़ाता हूं वही बढ़िया है, कोई भी दर्शन, ये केवल हम अपने लिए और इस मध्य दर्शन के लिए बात ना करें, कोई भी, मान लीजिए हम वेदांत पढ़ा रहे, कुछ भी पढ़ा रहे, कुछ करते हैं, जीते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो ये मेरा वाला सही है उसका वाला गलत है ना, वो भी इसी में आ गया, प्रिय अप्रिय में ही आ गया। तो ये जो तीन दृष्टियां हैं ये स्वार्थवादी है, स्वार्थ का रेंज बहुत बड़ा है। हित का कोई उदाहरण है, हित का कोई उदाहरण, दर्शन पढ़ने से हित हित हो गया है ना, कर सकते हैं, 10 साल हो गया अध्ययन करते हो और अभी भी ऐसी रीडिंग गई नहीं है ना, तो उस पर शंका हो जाता है क्योंकि तो इस प्रकार की चीजों को फिर मतलब सही ढंग से बचाने के लिए भी फिर एक दृष्टि चाहिए नहीं, एक एक व्यक्ति है मित्र ही कहिए उनको जो भी संपर्क, वो पहले मजाक करते थे, मैं एक बार उनको सुना किसी और को दूसरे को बताते रहे कहीं पर, मुझे याद नहीं हो जगह कि जीवन विद्या प्रबोधों को कैसे पहचानोगे है ना, वो सामने वाला आदमी कुछ कुछ बोला, बोला मेरे पास सरल उपाय है, बताओ, बोला हाँ बोलो, बोला उसके पास एक झोला होगा, उसके एक तरफ प्रवाह मुक्त जीवन कल्प होगा एसिडिटी के लिए, दूसरी तरफ हर्बोलैक्स होगी क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो इस टाइप का हजी मजाक भी होता ही है इसमें, तो हित दृष्टि फिर चाहिए ना, मतलब और उसके कारण भिन्न है ना, वो तो फिर समयकालीन भी कुछ चीजें हैं, जैसे ये भी कहना मुश्किल है कि हित दृष्टि जो ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिक है, वहां का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि अपने आप भी तो उसमें कवर हो ही रहा है, मगर तो दृष्टिपूर्वक हम कुछ कर रहे हैं ये तो फिर उसमें से किनी किनी व्यक्तियों में दिखता है। अभी वो और प्रॉब्लम हो गया क्योंकि अभी का जिसको हम पढ़ा लिखा वर्ग या शहरी वर्ग कहेंगे वो प्रिय से सीधा न्याय धर्म सत्य में कूद जाता है ना, वो हित बाईपास हो जाता है ना, क्योंकि वो शहरी जीवन का जो शैली है बचपन से नॉर्मली अभी की शिक्षा और आप अपार्टमेंट में ना 8वीं मंजिल पे हैं तो ना उत्पादन का कोई चांस है ना वॉकिंग करने की जगह है ना, तो अभ्यास के रूप में भी हित नहीं है, ऊपर से भोगने की जो संभावना है
हैं प्रचुर मात्रा में बढ़ जाते हैं। आप खाना नहीं चाहते हैं, वॉकिंग जाते हैं तो सामने वो ठेला लगा रहता है। पुणे में काफी कॉमन है, लोग वॉकिंग जाते हैं, आते आते गोलगप्पा खाते हो घर आते, क्या करेंगे, वो 7 गोलगप्पे के ठेले एक लाइन में है, एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, पांचवे को छोड़ा, सांपा वाला तो दिख ही जाता है सामने। फिर वो टाइम देखता बोला अभी तो 7 बजे, खाने में 1.5 घंटा बचा है, चलो मार लू। तो ये मतलब अभी के देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीजें हैं। फिर दर्शन में तो यदि आप देखेंगे तो आपको याद होगा जो शुरुआत में हमने अध्ययन के लिए आवश्यक और सहायक में लिखा था, आवश्यक के लिए दिनचर्या लिखा था और उसमें शुचिता की बात आई थी, है ना। तो शुचिता का मतलब यही है, शौच मतलब मन से भी और शरीर से भी शौच आवश्यक है, वो योग अभ्यास बोल के चैप्टर में आता है अभ्यास दर्शन में, कुछ सूत्र वहां से दिए गए अभ्यास दर्शन से, उसका जो बेसिक फ्रेम है अपने इस शिविर का वो अभ्यास दर्शन के 4-5 सूत्रों पर खड़ा है, इसका जो नींव है कुल मिलाकर 4 सूत्रों पर। तो ये 6 दृष्टियां ध्यान में रखना कि कब वास्तव में हम न्याय न्याय का तुलन कर पाए कि नहीं कर पाए, कि न्याय न्याय हम करना चाहते हैं बट वो भूल जा रहा है प्रिय प्रिय, उसको आगे भी हम देख सकते हैं। जैसे किसी का व्यवहार हमको पसंद नहीं, वो प्रिय प्रिय में आता है, उसका व्यवहार पसंद नहीं है इसका मतलब है उसके गुण मुझे अच्छे नहीं लगते, उसकी जो बिहेवियर है, उसकी जो क्वालिटी है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। ये आदमी जोर जोर से बोलता है, बिना पूछे ले लेता है, कुछ ऐसा करता है, वैसा बोल देता है, ऐसा करता है, ये सारी चीजें गुणों के आधार पर प्रिय प्रिय विधि से। तो न्याय का परिभाषा मेरे पास आ गया, तर्क आ गया, परंतु व्यवहार और ये व्यवहार वाली जगह तो बहुत बड़ी है, उस आगे व्यवहार अभ्यास में देखेंगे वहां, तो वहां पर हमारी जो तुलन है ऐसा लगता है कि वो क्रिया प्रिय विधि से हो रहा है। हमको अच्छा लगा बुरा लगा है ना, उससे हम प्रभावित हो गए तो हमारे भी प्रिय दृष्टि से तुलन हो गया। न्याय अन्याय विधि से यदि होता है तो ये यथार्थ दृष्टि हो गया, तो सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को यदि मैं न्याय दृष्टि मतलब न्याय न्याय दृष्टि से यदि मैं आकलन करता हूँ, तुलन करता हूँ, है ना, और ये पाता हूँ कि उन्होंने सही व्यवहार किया तो वो न्याय कहलाएगा, वो वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो ये अन्याय है, बट उसमें हम प्रभावित नहीं हुए ना, हम तटस्थ रहे। आप गलती कर रहे हैं और आपका गलती से मैं प्रभावित ना हूं, है ना, यही तो फिर स्वतंत्रता और सुख का जगह है ना। नहीं तो सब अध्ययन किया और आप कुछ भी आके बोल दिया और हमारा सब ना अंदर की मनस्थिति बदल ही गई, बिगड़ी गई, तो फिर वो वाली चीज नहीं हुई। तो ये जो दृष्टियों में जो परिवर्तन है ये उसको इंगित करने के लिए पहला ध्यानाकर्षण की दृष्टि से रखा। ये वो माइंड माइंड नहीं, उसके लिए भी मुझे भी मेरा ना 12-15% सुनना कम हुआ है। लेकिन अगर हम उसके स्वभाव का यानी कि वो न्यायपूर्वक प्रस्तुत हो या नहीं हो या मैं न्यायपूर्वक प्रस्तुत हो या नहीं हो तो उसका आकलन तो हम गुरु के आधार पर ही करेंगे, क्योंकि स्वभाव तो कहीं ना कहीं गुरु के रूप में ही प्रकट होगा। दृष्टियों की बात एक आती है इसमें, विवेकात्मक अध्ययन का ही भाग है ये सब। फिर ये चित्त की 8 क्रियाएं हैं जो आप पढ़े ही होंगे, अभी जो नया एडिशन है मानवता दर्शन की उसके लास्ट पेज में है, चित्रण का जो पूरा रेंज है इन क्रियाओं से बताया गया है। रूप गुण गणना काउंटिंग है ना, काल टाइम का जो सेंस है ये चित्रण में आता है, विस्तार श्रम जैसे ये काम करने के लिए कितना समय लगेगा, अध्ययन करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद गति और परिणाम। तो मनन के इस जगह पर जो जीवन
हम फॉलो कर पा रहे हैं ना, मनन में शोध पे बात हो रही है, उसमें जीवन क्रियाओं को थोड़ा सा यहाँ एक्सपेंड कर रहे हो कि चित्रण के चित्त के क्रियाओं को, पहले वृत्ति की हुई अभी चित्त की क्रियाओं पे बात कर रहे हो, ठीक है। ये मनन का ही भाग है, स्वयं के जीवन के क्रियाओं का निरीक्षण है ना, उनको समझना, उस क्रम में बात हो रही है। तो रूप गुण गणना काल विस्तार श्रम गति परिणाम, ये चित्रण का रेंज है पूरा, यही ये बात हुई थी इसके पहले कि न्याय धर्म सत्य का भाषा और तर्क मेरे पास आ गया। देखिए यहां पर लिखा है ना, स्वभाव धर्म का भाषा और कल्पना, क्योंकि चित्रण का रेंज रूप गुण तक ही है ना, वो स्वभाव धर्म को देखने के लिए उसको साक्षात्कार और अध्ययन मतलब बोध का सपोर्ट लगेगा, उसके बिना नहीं आएगा उसको। इसके पूर्व पेज में उसमें नहीं, आप आचरण को देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं चित्रण के आचरण है, ये कौन सा है प्रिंट आउट आप रखे हैं, नहीं वो एडिशन नंबर बोलिए, एडिशन का डेट एक में वो एक नए वाले में आ गया है, मनोवहार दर्शन का एडिशन डेट बोलिए, शुरुआत में जो लिखा रहता है संस्करण है? नहीं ईयर ईयर 2011 तो ठीक ही, कभी तो यहाँ मिलेगा, ये क्या इंटरनेट से डाउनलोड किया हमने, मिल जाएगा आपको, बाद में दिखा दूंगा है ना, उसमें है वो। नहीं नहीं इसमें है, दिखा दूंगा आपको। तो ये चित्त की आठ क्रियाएं, ठीक है, इनका विषय, हाँ इस पर आएंगे। हाँ तो ये इस पर आते हैं, वो बाद में आपको ढूंढ के दे दूंगा, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लंच ब्रेक में अपन कर लेंगे उसको। तो ये चित्त की आठ क्रियाएं, ये पूरा एक तो रेंज है इसका है ना, और चित्रण का यदि विषय देखेंगे, और आप देखिए आप भी जांच कर देखिए ये आपको ठीक लगता है या नहीं, एक तो मेरा अपने बारे में कुछ मानना है, मेरा अपने ही बारे में कोई एक चित्र है ना, ठीक, मैं इस टाइप का व्यक्ति हूँ, कम समझता हूँ ज्यादा समझता हूँ, मेहनती हूँ मेहनती नहीं हूँ, स्वयं के बारे में एक मान्यता है मेरी जो एक चित्र के रूप में है। दूसरा है अस्तित्व में जितनी चीजें हैं इसके बारे में एक मान्यता है, अस्तित्व ऐसा है ऐसा नहीं है। तीसरा अस्तित्व के साथ मेरा जो संबंध है पूरा उसके आधार पर मान्यता है। इसको यहां पर यदि करेंगे जगह वहां कम है, जैसे चित्रण सामने जो लिखा उसे पूछ रहे क्या? हाँ सामने जो लिखा हाँ, चित्रण का जो रेंज है विषय यदि आप देखेंगे, जैसे मैं अपने बारे में कुछ मानता हूं है ना, मेरी जो अपने बारे में जो मान्यता है वो अपने में चित्र के रूप में है। इसका आधार हो सकता है कि मैं कैसे दिखता हूं, मेरा रूप 4.25 फुट के हैं, 5.5 के हैं, 6 के हैं, 6.5 के हैं, काले हैं गोरे हैं, अच्छा दिखता हूँ बुरा दिखता हूँ, उससे तो अच्छा दिखता हूँ है ना, इस टाइप की चीज है। दूसरा मेरा गुण क्या है, मैं उदार व्यक्ति हूँ, तेज हूँ है ना, कृपण हूँ, आदमी मानता है नहीं मानता है एक अलग चीज है, दूसरे को मानता है, अपने को उदार मानता है दूसरे को कृपण मानता है, ठीक है ना, थोड़ा कम समझता हूँ है ना या ज्यादा समझता हूँ, इस टाइप का यदि लिस्ट बनाएंगे तो बहुत एक लंबी लिस्ट निकलती है गुणों के बारे में। अपने ही स्वभाव के बारे में भी हम कुछ मानते हैं और अपने ही धर्म के बारे में भी कुछ मानते हैं। धर्म का मतलब हमारे हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है ये क्या है, इसके बारे में हम कुछ मानते हैं। अभी भी यदि हम देखेंगे तो धर्म के बारे में जो मान्यता है वो यहीं पर है, इसी को भ्रम भी कहते हैं। प्रचलन में बहुत सारे धर्म है ना, ये मेरा धर्म है वो मेरा धर्म है ये मेरा धर्म है,
वो सारा मानते हैं। ये सारी मान्यताएं चित्रण में ही है, स्वयं के रूप गुण स्वभाव या धर्म इसके कॉम्बिनेशन में हमारा अपने प्रति एक मान्यता है। ठीक है, यहां तक। दूसरा, यही चीज है अस्तित्व के प्रति भी, तो अस्तित्व में ईश्वर या शून्य जैसा हमारी प्रेफरेंस हो, प्रकृति, इसके भी रूप गुण स्वभाव धर्म के बारे में मान्यता है। इसमें स्पेसिफिकली रूप के बारे में मान्यता यूजुअली हमारी चुकती नहीं, गुणों के बारे में जो अध्ययन है वो जैसे विज्ञान विधि से हमको मिलता है। इसके स्वभाव और धर्म के बारे में हमारे पास एक भिन्न भिन्न मान्यताएं हो सकती है। जैसे समाज ऐसा है, मानव समाज, प्रकृति में मानव को ही लेंगे, प्रकृति में चार अवस्था आ जाएगी ना, पदार्थ, प्राण, जीव और मानव। तो अन्य मानवों के धर्म स्वभाव रूप गुण के बारे में मेरे में मान्यता है। अन्य मानव का जो समाज है, मानवों से बना हुआ समाज, इसके बारे में भी कोई मान्यता है कि उस समाज का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका समाधान है या समस्या है, ना आज के समाज का स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है। ठीक, तो ये जो मान्यताएं हैं चित्रण में, ये यथार्थ हो सकता है या अयथार्थ विधि से हो सकता है। तीसरी जो चीज मानते हैं, ये ए हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैंने अपने बारे में कुछ मान लिया है, संसार के बारे में कुछ मान लिया है, मेरा अभी ये जो ये दो जो मान्यताएं हैं, ये अभी मेरा इस पूरे संसार के साथ संबंधों को तय करेगा कि मैं पदार्थ के साथ कैसे रहूंगा, प्राण के साथ कैसे रहूंगा, जीव के साथ कैसे रहूंगा और मानव के साथ कैसे रहूंगा। मानव में देखेंगे तो सातों संबंध है ना, पत्नी के साथ कैसे रहूंगा, है ना, भाई के साथ कैसे रहूंगा, पिता के साथ कैसे रहूंगा, ठीक है ना, संपर्क के सीमा में कैसे रहूंगा, इस टाइप से समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कैसे रहूंगा, ये मेरा कार्यक्रम। कैसे पैसे कमाना, तो पैसे कमाने फिर इस वाले जगह में आएगा, किसके लिए पैसे कमाना, इसके लिए कमाने, इसके लिए कमाने, इसके लिए कमाने, कितने कमाने, ये सारी मान्यताएं इधर ही है चित्रण में। बड़ा वो है गुच्छा, इन्फिनिट, अक्षय शक्ति। तो ये सारी चीजें जो है यथार्थ विधि से हो सकती है या अयथार्थ विधि से हो सकती है, ये हमारे स्वनिरीक्षण के लिए मुद्दा है या स्वयं का शोध। हम मनन में पहले पदों में चल रहे हैं स्वयं का शोध, उसमें हम जीवन क्रियाओं पर बात कर रहे हैं। जीवन क्रियाओं में ही अस्तित्व भी दिख रहा है और आचरण भी दिख रहा है। याद है हम ऊपर लिखे थे, आपको याद है, अस्तित्व, स्वयं या जीवन और आचरण, उसके नीचे लिखा था रूप गुण स्वभाव धर्म, उसके नीचे लिखा था न्याय धर्म सत्य, तीन लाइन थे ना उधर शोध में हमने जब कल शुरू किया था। तो चित्रण में आने से दिखता है कि अस्तित्व के बारे में मान्यता मुझमें ही है, जीवन स्वयं के बारे में भी मान्यता, आचरण के भी मान्यता, और उसका फाइनल जो रेंज है इतना ही है, ये इसका कंटेनर है, इसके अंदर टुकड़ों को भरने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे कितने वस्तुओं के साथ हमारा क्या संबंध है, पदार्थ, तो स्वेटर के साथ कितना संबंध है, किस प्रकार का स्वेटर चाहिए, उसका आधार क्या है, वो कितने पैसे का होगा, क्या कलर का होगा, कब बदलूंगा, ये पूरा एक रेंज है। कपड़े का, जूते का, है ना, कौन से प्रकार के पेड़ पौधे, तो प्राणावस्था के साथ हमारा क्या संबंध है, प्राकृतिक नियम अनुसार है, भिन्न है, जीवों के साथ क्या संबंध है, ऐसे जीवों के साथ मित्रता है, नहीं है, ना जीव को खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, खाने नहीं दूंगा, ये पूरा रेंज है। वैसे ही ये वाला सबसे बड़ा है मानव के साथ, तो जो जिन लोगों के साथ रोज जीते हैं उनके साथ बहुत एक घनिष्ठ एक संबंध हो जाता है। उसमें फिर जो ड्राइविंग फैक्टर है वो रूप और गुण है या स्वभाव है या धर्म है,
फिर इसके बारे में जो मान्यताएं हैं यथार्थ विधि से है कि अयथार्थ विधि से है, ये हमारे स्व निरीक्षण अथवा स्वयं के शोध का मुद्दा बनता है। इसको ड्राइव क्या करता है, ये दृष्टि। क्लियर हुआ अभी? ये छह दृष्टि, तो ये दृष्टि यदि रूप गुण तक सीमित है तो यहां पर जो भी चित्र बनेंगे वो रूप गुण के आधार पर प्रिया प्रिय हितहित लाभालाभ विधि से सारा बन रहा है। मेरा अपने बारे में मान्यता, संसार के बारे में मान्यता, उसके साथ मेरे संबंध या कार्यक्रम का मान्यता। यदि दृष्टि न्याय धर्म सत्य विधि से हो रहा है, न्याय न्याय धर्म धर्म सत्य विधि से, तो ये सारा जो है दूसरे विधि से बनेगा, बराबर। यदि मेरा रूप गुण के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन है तो रूप के मूल्यांकन है तो शरीर आ गया, ठीक है ना, तो शरीर के प्रति ऐसे यही हो गया। फिर इसी को कहेंगे शरीर के प्रति आसक्ति, रूप के प्रति आसक्ति, वैसे ही अपने ही गुणों के प्रति आसक्ति ना, हमारे ही जो क्वालिटीज हैं उसी में हम मुक्त हो गए। मैं खुद से इतना खुश रहता हूं कि मुझे और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, अपने में ही मजे है, तो वो भी इसी में आ गया। तो मनन में जो समझ में आता है, और आप भी इसको जांच के देखिए कैसा लगता है आपको, कि जो मुख्य मुद्दा है ये दृष्टि परिवर्तन है। इन दृष्टियों में न्याय धर्म प्रिय हित लाभ से, क्योंकि हमारे पास न्याय धर्म सत्य की संबंधित सूचना आया, उस सूचना का श्रवण हुआ, श्रवण हुआ तो कहां हुआ, चित्रण में आया। उस सूचना के आधार पर यदि हम तुलन करते हैं तो हमारे दृष्टि में परिवर्तन हुआ, यहां से इसकी शिफ्ट हुई। ये यदि शिफ्ट हुई तो यहां पर आके हम जांच कर देखते हैं कि ये सारा रूप गुण संबंधित है, तो जहां जहां रूप गुण संबंधित है उसको न्याय धर्म सत्य में फाइन रिप्लेस करना पड़ेगा। चित्रण में गुणात्मक परिवर्तन है ना, वो लिखा था ना, अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास। इस लाइन को यदि हम देखेंगे तो ऐसे ही निकलता है, यही उसको चित्रित करने का अभ्यास है, ठीक है। तो मनन में दृष्टि में गुणात्मक परिवर्तन या न्याय धर्म सत्य दृष्टि का आभास पूरा होने का तात्पर्य हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे अभी के भाषा में कि प्रिय हित लाभ को फाइन करना है ना, कंट्रोल ऑफ प्रिय हित लाभ एंड रिप्लेस विद कंट्रोल आर न्याय धर्म सत्य। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक ऑप्शन नहीं है। वो मैं बोलता तो बहुत सिंपल होता, फिर न्याय धर्म सत्य को पढ़ लिया, सिलेक्ट ऑल डिलीट रिप्लेस, वो फिर समाधि मतलब वो संयम चाहिए उसके लिए, हमारे अध्ययन विधि में एप्लीकेबल नहीं है। तो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस यदि हम देखें, एंड टाइम कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 5 है ना, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप डाल दो अपना खुद का, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है वो यही लगता है, क्योंकि पहले से ये जड़े बनी हुई है चित्रण में, स्वयं का, अस्तित्व का, संबंध का, और उनको हमने सही माना है ना। जैसे ये जो पूरी पदार्थ प्राण, स्पेशली पदार्थ और प्राण को लेकर जो पूरे शरीर मूलक संवेदना है, इसी को शरीर मूलक जीना का है, ठीक है ना। तो शरीर मूलक संवेदना का दबाव, ये तो ये कहां से बना, मन पर जो शरीर का दबाव बना, शरीर का जो दबाव मन पे बना, वो वृत्ति में आके प्रिय अप्रिय विधि से तुलन होके चित्त में आके स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो अभी मेरा जो कार्यक्रम है इससे भी डिफाइंड है, इस शरीर मूलक संवेदना को बनाने के लिए अभी मुझे मुद्रा चाहिए, ऐसी है ना, रूपी का सिंपल नया वाला जो बना है, तो ये यदि नहीं होगा तो मेरी ये शरीर मूलक संवेदना नहीं मिलेगी, ये भय का दरवाजा है। ये जो
शरीर का जो दबाव मन किसी एक समय में और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, शरीर का दबाव मन पर वृत्ति में उसका तुलन हुआ, प्रिय प्रिय ये दबाव अच्छा नहीं है, यही अच्छा लगता है, ये सही तय हुआ विश्लेषित होके, वो चित्रित होके चित्रण में इच्छा बन गया शरीर मूलक संवेदना। अब ये शरीर मूलक संवेदना जब भी चाहिए मुझे चाहिए कुछ भी हो सकता है, है ना, इसका कोई वो नहीं है, इसकी कुछ मिनिमा है, मैक्सिमा शायद है बट बहुत ही दूर है उसमें। मिनिमा ये है कि ठंडी गर्मी है ना, आहार आवास अलंकार के ब्रैकेट में भी देखेंगे तो एक बेसिक वो बनता है, पौष्टिक भोजन हो गया, ठंडी गर्मी से बचा रहना है ना, बारिश से बचने के लिए, चलने घूमने के लिए कुछ चीजें, ये कलेक्शन हो गया। इसकी जो मैक्सिमा है वो तो बहुत बड़ी है, जैसे छुट्टी मनाने जाना है तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितने बार जाएंगे, वो बनाते जाओ तो बहुत लंबा। अभी मैं अपने क्लासमेट के साथ रहा था, मिलके आ रहा हूँ दिल्ली में, बहुत कई वर्षों बाद उससे मिला, 10 वर्ष हो गए, तो हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे, बाद में जब फर्स्ट जॉब सेकेंड जॉब में मैं जब चेंज करके बैंगलोर गया तो वो भी मेरे ही साथ था, तो उसके बाद वो MBA करने चले गया, और उसकी MBA की जो वो होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने लिख के दिया था उस समय बैंगलोर में, क्योंकि वो मुझे ताओ बुलाता था, बोला ताओ मेरे से नहीं हो रहा तो लिख के दे। उसके बाद मैं जॉब छोड़ के ये 1.5 साल घूमता रहा, ये इसमें ये जीवन में तहसील लिख गया, फिर मैं इधर आ गया, वो अपना काम करता रहा, MBA किया उसने, हैदराबाद में एक स्कूल है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैदराबाद से पढ़े। तो अभी उससे बात हुई तो मैंने पूछा क्या सैलरी है ना, उस मेरे से वो 4 महीना बड़ा है और सेल्स में बहुत अच्छा है, तो उसकी सैलरी उसने कहा 1.4 करोड़ है पर ईयर, है ना। तो मैंने पूछा महीने का खर्चा कितना, उसने कहा 2 लाख, वो अपार्टमेंट में रहता है ना, तो मैंने कहा तो तुम 2 लाख तुम कैसा खर्च करते हो यार, हमको भी बताओ, ठीक है ना। उसने मुझे पूछा तुम्हारा कितना खर्चा, बोला 22,000, है ना। तो मैं बोला मैं तो अपना बाद में बताऊंगा, तुम अपना बताओ। मैं बोला उसमें 8,000 मेरा ट्रैवल भी चले जाता है, एक घर जाना एक घर आना, ट्रेन की टिकटें है ना, टैक्सी वैक्सी जो भी होता है। तो उसने कहा महीने का 40,000 रुपये साल के घूमने के लिए रखा है, 5 लाख पर ईयर फैमिली वैकेशन के लिए, पिछले बार पैरिस गए थे इस बार और कहीं जाएंगे, है ना। फिर बच्चे का जो स्कूल का फीस है 30,000 रुपये महीने का, ये श्रीराम ग्रुप का कोई स्कूल है, ये दिल्ली में कॉलेज है ना, लेडी श्रीराम का, सब मिला के 30,000 आता है। तो इस टाइप की चीजें, तो ये स्कूल वाला तो ठीक है इससे संबंधित नहीं है, वो तो बच्चे के साथ जो संबंध है उसमें जो उसके लिए सही पद का मान्यता है उससे संबंधित है। तो वो किससे आएगा, उसके मान्यता को जड़ के जो देखेंगे, मेरे पास कितना क्षमता है पैसे का, ये मेरे गुणों का भाग है, है ना। फिर संसार में मानव का मतलब क्या है और मानव शिक्षित होने का तात्पर्य क्या है, उसमें श्रेष्ठता क्या है, इसकी एक मान्यता है। उस श्रेष्ठता के पूर्ति के लिए फिर एक भौतिक साधन की आवश्यकता, ऐसा लिंक है उसका। तो जब तक उसका फर्स्ट वाला नहीं बदलेगा, सेकेंड भी नहीं बदलेगा, थर्ड भी नहीं बदलेगा। फर्स्ट वाला बदलने के लिए यहां पर चेंज चाहिए, यहां पर चेंज के लिए ये चाहिए, ये यदि नहीं है तो ये भी नहीं है, उससे ये बना ये बना ये बना ये बना ऐसा। हमारी बेटी जिस स्कूल में जाते हो 250 रुपये फीस है, उसमें भी आधे बच्चे को फीस देते नहीं उधर वो उधर गांव में जो जहां हम रहते हैं अपने ही संस्था का ही स्कूल है, हाँ 250-300 फीस रखा है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 250 की फीस का एकेडमिक स्टैंडर्ड और 25,000 वाला एक ही है, वो एक अलग मुद्दा है बातचीत का। एनीवेज ये एक इसमें चित्रण में वो तो हमने अपने दोस्तों का मूल्यांकन कर लिया, बट ये स्व निरीक्षण और स्वयं का शोध है ना। चलिए तो हमारे अंदर ये चीजें कैसी बैठी हैं वो देखने के लिए कि हमारे अंदर की दृष्टि कैसा है, उससे फिर चीजें कैसी बनी है, है ना। ये हमारा वर्ल्ड व्यू है, ये हमारा व्यू अबाउट माई सेल्फ, व्यू अबाउट द वर्ल्ड एंड व्यू अबाउट माई प्रोग्राम विद द वर्ल्ड, ये तीन विधि से चित्रण में बैठा है। इसका जो सोर्स है यहां से वृत्ति में जंप करके ऐसे होके बनता है, और ये
तीन चार साल की आयु से बनना शुरू हो गया है ना, 5 साल की आयु तक तो फटाफट फटाफट बन रहा है, बहुत फास्ट। हम स्कूल में फर्स्ट है, लोगों ने ताली बजाई, ये एक फ्लैग यहाँ पर बन गया है ना, 2 बार ताली बजाया यहाँ, फिर फ्लैग बन गया, बहुत बढ़िया बच्चा बोल दिया, फिर एक फ्लैग बन गया, तो ये भरते ही जा रहा है। एक दूसरी बात है, किसी दिन विवाह के 2 वर्ष बाद पत्नी बोलते है कि तुम ऐसे नहीं हो, फिर इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यदि पत्नी या पति है ना, एज इट इज, या भाई मित्र किसी ने बोल दिया है ना, और उसमें यदि हम चिल्ला दिए तो नहीं, डबल फ्लैग नहीं, तो इसका मतलब है हमारे में जो तुलन हुआ वो प्रिय अप्रिय का हुआ, क्योंकि मैं ऐसा हूं मेरे लिए प्रिय है और ये जो सामने वाला बोल रहा है अप्रिय है ना। तो इस विधि से फिर इसको यदि हम परीक्षण करते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर हमारा जो मूल्यांकन है वो यथार्थ यथार्थ विधि से हो सकता है कि ये जो बोल रहा है या बोल रही है इसमें कुछ यथार्थ है कि नहीं, ये सुनने की जगह बनेगी ना। यदि वो प्रिय अप्रिय विधि से ही तुलन हो रहा है तो फिर मैं अनसुनी ही करूंगा, या तो चिल्लाऊंगा है ना, या बैठा रहूंगा कि ये अपना बोलना बंद करे और मैं चल के चले जाऊं, उठ के चले जाऊं। ठीक है, हाँ अभी भी कर सकते हैं, मनन के मतलब ऐसा नहीं कि हमको वेट करना है कि ये सेकंड माने के बाद होगा, हाँ मनन का ही भाग, ये मनन का भाग, हाँ मनन का एक मुख्य भाग है ये, यही मुख्य है, ये हो गया तो फिर आगे साक्षात्कार, इसमें यदि हमारी प्रायोरिटी सेट हो गई तो आगे साक्षात्कार। मनन दर्शन के हिसाब से नहीं होता, बाकी तुलन होता ही आदमी में होता ही है तुलन, तो ये भी कहना नहीं बनेगा कि व्यक्ति न्याय धर्म सत्य का तुलन करता ही नहीं, ये दर्शन सुनने के बाद ही करता है। ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता ही यदि जीवन में नहीं है तो कोई दर्शन को सुनेगा ही क्यों, सुनेगा भी तो फिर टिका क्यों रहेगा। प्रिय हित लाभ से संतुष्टि नहीं हो रही है ना, और किसी वस्तु की आवश्यकता बनी है तभी तो श्रवण स्टार्ट है, नहीं तो हम पुस्तक लेकर पढ़ पाएंगे। जैसे हम आप हमारे जैसे लोग हैं ना, बाल पक गए उसके बाद हम मेरे तो पकने शुरू हो गए है ना, तो स्टेज में आके उठाना मतलब जो किया ये हुआ या पहले से जो हुआ वो पर्याप्त नहीं है ना, तो प्रिय हित लाभ अपर्याप्त है, ये समीक्षा के साथ फिर अध्ययन या जागृति क्रम में अग्रसर होने के लिए आवश्यकता बन रही है। यदि प्रिय हित लाभ में मजा आ रहा है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे यही मित्र है हमारे, हमने पूछा कि और वो अच्छा आदमी है, मतलब झूठ मूठ नहीं बोलता है, बढ़िया व्यक्ति है, तो मैंने पूछा तो उसने कहा देखिए मैं दिन में 6 या 7 घंटा काम करता हूँ है ना, वो किसी एक कंपनी में सेल्स के डायरेक्टर है, वो एक उसके सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कुछ कठिन करना पड़ता है, मेरे को बड़ा मजा आता है और उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं है ना, और उनको अच्छा लगता है। अब वो मैं जस्ट जाने के 1-2 दिन पहले वो अमेरिका से लौटा, परसों फिर बॉम्बे जाना है, उसके बाद कलकत्ते जाना है, पत्नी से बात करता रहा कि कुछ कुछ, बोला ये तो रहता ही नहीं है घर में, घूमते रहता है, तो बच्चे के पढ़ाई को लेकर कुछ बात होती रही। अब उनके प्राथमिकता में वो है नहीं कि बच्चे के लिए समय दें, और उसमें वो दृढ़ है तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, तो सुख भी है, शांति भी है, थोड़ा संतोष भी है। हाँ मतलब दुख और अशांति और असंतोष तो कंफ्यूजन में है ना, जब कंफ्यूजन नहीं है तो जितने में आप फिक्स्ड हैं उसका तृप्ति आपको मिलेगा। तो एक शरीर आता तो निकल गया ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वाले में आगे देखेंगे क्या होता है। ऐसे नहीं कि पूरे समय हम कहीं बाहर गए वो उन्होंने कहा बाहर जाके खाना खाएंगे, इस बीच में कुछ हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, कुछ कुछ होता ना, ये सब जैसा होता है ना, पार्किंग की जगह नहीं मिली, वो इरिटेट हो गया, गुड़गांव में पार्किंग पर मुश्किल है। ठीक है जी, तो ये नंबर 2 वाले इसको देखे हम, चित्त की 8 क्रियाएं। तो ये चित्रणों के कॉम्पोजिशन को देखेंगे, इसमें ये सब है, रूप गुण गणना काल विस्तार श्रम गति परिणाम।
है ना, तो श्रम का भी एक सेंस है, कितना पैसा कमाने में कितना एफर्ट लगेगा, इसका एक एस्टिमेशन होता है ना। जागृत होने के लिए फिर कितना एफर्ट लगेगा, ये भी एक एस्टिमेशन है ना। अच्छा मानव बनने के लिए कितना, इस टाइप की चीजें। इसकी एक बढ़िया चीज हमारे एक साथ वाले प्रबोधक ने बताई थी कई वर्ष पहले, मैंने सुना था उसको, जो मुझे बढ़िया लगा कि इसका मैक्सिमम होना ही फिर साक्षात्कार के लिए रास्ता है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि वहां लिखो, दिख रहा है ना, जैसे रूप, रूप का मैक्सिमम क्या है, हाँ बट अरूप, रूप को हम वो करेंगे तो अरूप। तो केवल रूपात्मक संसार के चित्रण के जगह हम अरूपात्मक वस्तु के बारे में भी चित्रित करने का अभ्यास करते हैं। ऐसे व्यापक वस्तु चित्रण में समाता नहीं, इसीलिए लगता है कि किसी एक जगह जाके चित्र खत्म हो गया, इससे ज्यादा चित्रित कर नहीं सकते। व्यापक बोल दिया तो सोचते सोचते आप कहां तक सोचेंगे, जहां तक सोचो वहां तक व्यापक, उसके बाद भी व्यापक है ना। तो मैक्स आउट हो गया चित्रण, इससे ऊपर चित्रित हो नहीं सकता, इसके ऊपर की क्रिया चाहिए अभी इसको। ये बात समझ में आती है, व्यापक वस्तु चित्र में नहीं समा सकता, इसीलिए उसको बोध चाहिए और फाइनली अनुभव ही चाहिए। आत्मा में जो अनुभव होता है उसी से व्यापक वस्तु हाथ लगता है, उसके पहले कल्पना में है। ऐसा भी बोलते हैं ना, आकाश अनंत है वह हमारे विचारों से भी बड़ा है। आकाश अनंत है वह हमारे विचारों से बड़ा है, हाँ ठीक है ना, हमारे विचारों से बड़ा है, ठीक है। गुणों में जैसे आपको याद होगा, यहां हम लिखे थे चित्रण में जो गुण है यह सम विषम है ना, तो यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा इधर, मध्यस्थ गुण। तो व्यवहार में न्याय होने का मतलब है कि मध्यस्थ गुण हम पहचान गए, इसके पहले जो बात होती रही। तो हमारा फिर व्यवहार मध्यस्थ या सम मध्यस्थ, सम विषम के जगह, अच्छा लगा बुरा लगा यह सम विषम है, न्याय न्याय विधि से भी तुलन हो रहा है तो वो फिर सम मध्यस्थ कहलाएगा, ठीक है। गणना में अनंत, अनंत धरती है ना, अनंत ब्रह्मांड, मनोहर दर्शन की बिगिनिंग में लिखा है ना, प्रातः के बाद अनंत ब्रह्मांडों में से इस ब्रह्मांड पर स्थित मानव अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि इन्हें रास तथा विकास के अध्ययन का स्वर्णिम अवसर प्राप्त है, ऐसा लिखा है 1972 में लिखी है। काल का तो चित्रण में जब तक रहते हैं भूत और भविष्य रहता है, और यहां पर वर्तमान। तो साक्षात्कार से लेकर आत्मा तक की जो क्रिया है ये वर्तमान का दृष्टा है, स्पेशली बुद्धि है ना, इसीलिए इसमें सर्वकालिक सच्चाइयों को पहचानने की बात आती है। वैसे ही विस्तार का जो मैक्सिमम क्या है, व्यापक। यहां पर रूप और अरूप जो है ये अरूपात्मक आयाम आएगा, हालांकि वो व्यापक से ही जुड़ा है, अरूपात्मक आयाम। तो इकाई के अरूपात्मक आयाम क्या है, या जिसमें रूप कौन है, स्वभाव और धर्म, ठीक है। हाँ व्यापक वस्तु नहीं कह रहे, अरूप केवल व्यापक नहीं है ना, इकाई का अरूपात्मक आयाम है वो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरूप अरूप जो ऐसा नहीं है, नहीं नहीं इकाई व्यापक नहीं हुई, व्यापक कैसे भी नहीं हुई, व्यापक कैसे, जब हम मध्यस्थ जो बोल रहे हैं कि मतलब कि
मतलब कविता के रूप में ठीक है, पर ऐसा कहना उसके लिए वो होगा थोड़ा सा, है ना। ये इकाई नहीं, इकाई एक वास्तविकता है, व्यापक वस्तु एक वास्तविकता है ना। इकाई का रूप है, व्यापक का रूप नहीं है, फुल स्टॉप। ये अलग अलग वास्तविकता, इकाई व्यापक में परिवर्तित नहीं होता, व्यापक इकाई में परिवर्तित, फुल स्टॉप, दोनों अलग है ना। ये जो इकाई है इसके चार आयाम है, एक का रूप है ना, दूसरा गुण है, रूप के साथ जुड़ा ही है, क्योंकि गुणों में परिवर्तन से रूप में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन से गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे परमाणु है, 8 अंश का परमाणु है, उसका एक गुण है, वो 9 अंश का परमाणु हो गया, उसकी दूसरी गुण है, ये दूसरी बात होगी। तो रूप और गुण एक साथ है ना, ये परस्परता में सापेक्षता में। स्वभाव और धर्म जो आयाम है ना, ये निरपेक्ष आयाम है नंबर एक, और ये अरूपात्मक है। अरूपात्मक आयाम, फॉर्मलेस डायमेंशंस ऑफ फॉर्मफुल रियलिटी। कैसे? जैसे आप, जैसे हमारे में स्नेह होता है, उसका कोई रूप है क्या? नहीं है। वैसे वही वही, इसीलिए वो चित्रण में समाता नहीं, क्योंकि वो रूप विधि से स्नेह को चित्रित कर पाएंगे तो नहीं आएगा, वो गुणों के विधि से, फाइनली मध्यस्थ गुण के विधि से ही आएगा। ठीक है, वही इतना ही है, आगे कुछ नहीं है। तो ये जो वास्तविकता है, ये अपने में अरूपात्मक है, और जो रूपात्मक वास्तविकता है उसके दो अरूपात्मक आयाम है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये जो अरूपात्मक ही ये अरूपात्मक है, अरूप नाउन नहीं है, वो क्वालिफिकेशन है। व्यापक एक नाउन है, शून्य नामक वस्तु का नाम है व्यापक वस्तु, उस शून्य नामक वस्तु के गुण है व्यापक, पारदर्शी, पारगामी, है ना, और क्रिया शून्य, ठीक है ना। तो उसकी क्वालिफिकेशन है कि ये अरूप है। तो यदि हम नॉर्मली अरूपात्मक अस्तित्व यदि नाम देंगे, तो एक ही वस्तु का अरूपात्मक, एक ही वास्तविकता अरूपात्मक है, वो है व्यापक। जो रूपात्मक अस्तित्व है उसका एक भाग रूप है, एक भाग गुण है जो रूप से जुड़ा है, और उसके दो अरूपात्मक आयाम है। व्यापक का भी चित्रण नहीं होता, नहीं होता, पर इस रूप से तो होता है, वो हम जो कल क्रम बनाए थे ना, जैसे शून्य खाली स्थान से शुरू होता है, ये तो चित्रित होता ही है। आप मेरे बीच में जो खाली जगह है ये व्यापक है, बट व्यापक वस्तु के संपूर्ण गुणों का चित्रण नहीं होता। जैसे पारगम्यता का चित्रण करना थोड़ा सा कठिन है, हो सकता है बट कठिन है। चित्रण तो व्यापक का तो नहीं होता खाली स्थान के रूप में भी, चित्रण जो भी होता है वो वस्तु का ही तो होता है, इकाइयों का ही तो चित्रण होता है। इकाइयों की परस्परता में जो खाली स्थली सी लगती है वो अनुमान कह सकते हैं उसको, क्या नहीं, तो क्या हो रहा है? जैसे हम दोनों के बीच में जो खाली स्थली है ये आपको दिख रहा है? दिखता रहा है, आप ही तो दिख रहा है मुझे, ठीक है, पर हम दोनों के बीच में कुछ है, इसका क्या हो रहा है? ये एहसास कहाँ हो रहा है? जीवन में, जीवन में हो रहा है। कहाँ, कौन से क्रिया में? स्पष्ट तो नहीं कह सकते कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो उसको सोच लीजिए, है ना। बाकी लोगों से भी बात कर सके, जरूरी नहीं मैं जो बोला सबने सुनी लिया, सबको पता भी था, तो सबके साथ बात करके भी बोलेंगे। हाँ, ठीक, श्रम का क्या होगा? विश्राम। गति का गंतव्य, गति क्या, और परिणाम का परिणाम। ये पूरा साक्षात्कार का वस्तु है, ऊपर वाला जो चित्रण में समाता नहीं। तो साक्षात्कार के लिए दूसरी विधि से भी कहा है, तो चित्रण में जो वस्तु समाता नहीं उसका साक्षात्कार होता है, यही समाता नहीं।
स्वभाव धर्म नहीं समाता है, मध्यस्थ गुण नहीं समाता है, वर्तमान नहीं आता है ना। अनंत तो फिर भी कल्पना में आता ही है, पर विश्राम की स्थिति क्या है, ठीक है, गति का गंतव्य क्या है, परिणाम का अमरत्व। इससे ये मतलब नहीं कि मैं से कुछ भी भाषावास नहीं होता, भाषावास होके उतने में तृप्त नहीं होता, उतने में उसकी उत्तर नहीं मिलती, उस उत्तर के लिए उसको साक्षात्कार करना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर हम लोग जो बात किए थे स्वयं का, अस्तित्व का और संबंधों का जो चित्रण हमारे में है, उसके कंपोनेंट्स में जाएंगे तो ये सब मिलेगा। रूप गुण है, काल है, हमारे सारे स्मरणों में है ना, ये इस टाइम पे हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, शादी के टाइम हुआ, शादी के पहले ऐसा था, शादी के बाद ऐसा हो गया, वो सब में काल जुड़ा हुआ है। एक एक चित्र को लेंगे, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, उसके पीछे फिर रूप गुण काल आएगा, घटना आएगा, श्रम आएगा, इस प्रकार की चीजें चित्रण की क्रिया में थोड़ी सी बातचीत अपन की। और उसके नीचे यदि देखेंगे तो लिखा है इनमें से जो प्रत्येक प्रकार की इच्छा है, ये जो इच्छाएं हम लोग यहां पर लिखे थे, ये प्रत्येक इच्छाएं तीन श्रेणी से हैं। ये क्या है, ये जो यहां पर हम लिखे थे, ये जो हम बात किए, प्रत्येक जो चित्र है ये तीन कैटेगरी में है। इनमें से कुछ इच्छा सूक्ष्म है, कुछ कारण या प्रेरित है और कुछ तीव्र है। ये कारण कैसे पुस्तक पढ़ी थी, कारण वाला आप थोड़ा और अगर क्लियर करें तो बाकी तो सब कुछ था, कारण के नीचे मैंने अंडरलाइन किया था। तो ये यदि ये देखें कि पूरी चीजें जैसे सूक्ष्म इच्छा, जैसे हम अपने बारे में कुछ मानते हैं, है ना, कोई संबंध है उसके बारे में कुछ मानते हैं या कुछ चाहते हैं, कोई इच्छा है, तो वो सूक्ष्म विधि से है। जैसे मुझे कभी तो अध्ययन करना है, किसी दिन मैं भी जागृत हो जाऊंगा, किसी मैं किसी दिन मैं भी अच्छा आदमी बन जाऊंगा, ये सूक्ष्म इच्छा है कार्यक्रम के रूप में और इन तीनों के रूप में। उसके लिए जो परिभाषा दिया है, जो एग्जाम्पल के रूप में कर्म दर्शन में हम सब पढ़े हैं उसको, जैसे न्याय धर्म सत्य कोई वस्तु है, इसकी चाहत रहते हुए भी उसके लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं, इच्छा के रूप में है, बट इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए विचार चाहिए, तभी वो आगे जाके फलित होना है। वो इच्छा को हम खोल ही नहीं रहे, वो पीछे पड़ा है बैक बर्नर में, थोड़ा मीडियम बर्नर में होने वाली इच्छा, उसका नाम है कारण या प्रेरित इच्छा। उसमें हमारे पास उसकी प्रवृत्ति है, उसकी चाहत है, बट उसके लिए बाहर से सपोर्ट चाहिए, बाहर से प्रेरणा चाहिए उसके लिए, ये प्रेरित इच्छा भी नाम दिया है, बाहर उसके लिए कारण चाहिए। सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, है ना, सही तो पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, ये कारण या प्रेरित इच्छा है। तीव्र इच्छा तो सबको परिभाषा याद ही है, इसके बिना जिया नहीं जा सकता, ये तीव्र इच्छा है। तो हमारे में जैसे न्याय के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, है ना, समझदारी के लिए, मान्यता पूर्ण आचरण के लिए इच्छा जो है, या तो सूक्ष्म ग्रेड में है, कारण में है, या तीव्र में है। वो यदि कारण इच्छा है, इसका मतलब और कुछ तीव्र में है, कई जगह तीव्र इच्छा होता ही नहीं, बिना तीव्र इच्छा का ही हम जिंदगी निकाल लिए, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, कुछ कुछ हो रहा है ना, जिंदगी निकल गई। ऐसे कुछ लोगों में विवाह के समय होता है कि विवाह करना ही, बहुत लोग विवाह के बारे में सोचे ही नहीं रहते, एक आयु आता है सब लोग बोलते हैं विवाह हो जाता है, विवाह किया नहीं, विवाह हो गया, बच्चे हो गया, जॉब हो गई, जिंदगी हो गई, निकल गई, वो सब के कारण या प्रेरित में आ जाएगा, जॉब व्यवसाय कुछ भी। तो फिर हमारी ही इच्छाओं को हम क्लासिफाई करके देख सकते हैं शोध विधि से, कि इसमें से कौन सा कारण है, कितना तीव्र है, जैसे साक्षात्कार करना है, ये कितना तीव्र है, ये कारण इच्छा है कि तीव्र है कि सूक्ष्म है।
साक्षात्कार की आवश्यकता क्या है, है ना, या न्याय पूर्व जीने की आवश्यकता क्या है, ये सब हमारे स्वयं में शोध का होता है। इस चित्रण क्रिया को लेकर हम दो तीन चीजें बात कर ली है, ब्रेक कर लें चाहिए।